तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि जो कोलाड़ का प्लांट है या जो बाकी के प्लांट बनेंगे ये 100% ऑटोमेशन वाले बनने वाले हैं और ये यूनिक है। पूरी इंडिया में एक भी आज भी ऐसा प्लांट नहीं है। तो ये कैसा होगा, इसका एक कंपनी ने अभी रिसेंटली 3D वॉक थ्रू बनाया है। अब कुछ प्लांट सिमिलर होंगे बट थोड़े से अलग होंगे, उनकी लैंड कितनी है, उनका कैपेसिटी क्या है। सारा प्लांट हो सकता है एक फेज में डेवलप ना हो, फेज वाइज होगा, 10 टन, 20 टन, 50 टन, 100 टन, इस तरह से। तो एक वीडियो हम देखेंगे, प्ले करो। प्रोजेक्ट सारे होंगे। अब किसी की छोटी जमीन होगी इनिशियली 10 एकड़, और जब 100 टन के ऊपर प्रोजेक्ट जाएगा तब और जमीन लगेगी। हो सकता है कि उसी जगह पे आपको एडिशनल जमीन ना मिले, उस केस में कंपनी आप ही के साथ, आप ही के तहसील में दूसरा प्रोजेक्ट लगाएगी। और उसके लिए ना आपको कोई नए पैसे देने हैं, ना कोई शेयर लेने हैं, ना इन्वेस्टमेंट करना है, सिर्फ जमीन और उसकी परमिशन, ये हमेशा आपका रोल रहेगा। और बाकी का जो आपने सिस्टम डेवलप कर दिया है वो तो वंस फॉर ऑल है, वो तो चलते रहने वाला है। तो कंपनी, हमारी पॉलिसी है एक तालुका एक इंटरप्रेटर। अभी आपने अगर एक तालुका बुक किया, आप उस पर काम कर रहे हो, अगर वहाँ का MP भी हमारे पास आता है, हमारे लिए उसकी कोई जगह नहीं। हमारे लिए सिंपल पॉलिसी है, जो हमारे पास पहला आया, जिसने हमारे साथ काम किया, वो जब तक कर रहा है तब तक दूसरे को कोई एंट्री होगी नहीं। अब नेक्स्ट सेशन जो मैं लेने वाला हूँ SWOT एनालिसिस पे लेने वाला हूँ। ये कोई भी बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ऐसा कहते हैं कि इंडिया में जब 3000 आइडिया इम्प्लीमेंट होते हैं, क्रिएट होते हैं किसी के माइंड में, तो उसमें से मुश्किल से 2 आइडिया अपनी मंजिल तक जाती है, बाकी सारी फेल हो जाती है। और ये फेल होने का कारण ऐसा नहीं है कि लोग अच्छे नहीं है, लोग मेहनती नहीं है, लोगों का जो स्टडी होता है वो इनफ नहीं होता है।
गोलभ सर आज इस इंडस्ट्री में 18 से 20 साल से है, उन्होंने हर चीज करके देखी है और आज हमको वो चीज वो बता रहे हैं दैट इज 100% करेक्ट। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज की तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने 9999 प्रयोग किए और उसके बाद 10,000वें प्रयोग में उनको सक्सेस मिला। तो किसी पत्रकार ने उनको पूछा कि सर ये 9999 प्रयोग जो आपने किए, जो आपके फेल गए, आपको कैसा लगा उसके बारे में? उन्होंने कहा आपको लगता है कि ये फेल गए, मुझे लगता है कि 9999 ऐसे तरीके मैंने खोज निकाले हैं जिससे बल्ब नहीं बनता। 10,000वां तरीका ये है जिससे बल्ब बनता है, आपको मैं ये दे रहा हूं आप बल्ब बनाओ। सेम वे गोलभ सर ने इतने साल इस इंडस्ट्री में निकाले हैं, इतना स्टडी किया है कि उनको परफेक्टली पता है कि कौन सा तरीका राइट है। तो वो चीज उनके ऊपर छोड़ देनी है, हमको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी एक सवाल आता है कि भाई इस बिजनेस में हमारा रिस्क क्या है? मेजर तो हम रिस्क की बात करते हैं, मगर सिर्फ रिस्क एक बिजनेस के लिए इनफ नहीं है, बहुत सी चीजें हमको देखनी पड़ती है। और मैनेजमेंट टर्म में उसे कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। आप सब जानते हो कि जब हम कोई काम नया करते तो हमारे बुजुर्ग हमें कहते हैं कि भाई ध्यान रख के करना, संभाल के करना। तो एक ध्यान रख के करना, संभाल के करना मैनेजमेंट की भाषा में है स्वॉट एनालिसिस, वेरी सिंपल। वही चीज जो हमारे पूर्वज हमको कहते थे, पिताजी दादाजी कहते थे कि ये ध्यान रखो, ये चीज आप देखो, बस वही है। अब जब MCL की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है स्वॉट में स्ट्रेंथ की। सबसे पहला जो MCL का स्ट्रेंथ है वो है इसकी इतने साल की इन लोगों की जर्नी, जो मैंने आपको बताया कि इतने साल करने के कारण इनको पता है कि व्हाट इज द राइट बिजनेस एंड व्हाट इज द रॉन्ग बिजनेस, क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैनेजमेंट ये कोई बिजनेसमैन पैसे कमाने के लिए लाया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है। डॉक्टर श्याम गोलभ सर मुंबई के एडिशनल डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे थे, सर लॉन्ग लीव पे है बट आज भी वो चाहे तो कहीं भी पोस्ट वापिस ले सकते हैं। और एक कलेक्टर चाहे तो क्या नहीं कर सकते वो आप सबको पता है, बट उन्होंने अपना जीवन इस चीज को डेडिकेट किया। हमारा जो बैकबोन है जो फ्रंट में नहीं दिखता वो है इंडिया के टॉप मोस्ट 72 साइंटिस्ट की टीम, जो कि ग्रो डीजल क्लाइमेट केयर काउंसिल कंसोर्टियम के नाम से वो लोगों की संस्था है। और ये लोग इंटरनेशनली कनेक्टेड है क्योंकि ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर की टीम। तो ये हमारा बैकबोन है और बैकबोन टेक्नोलॉजिकल होने के कारण हमको टेक्नोलॉजी में कभी कोई चैलेंज दे ही नहीं सकता। टेक्नोलॉजी बिजनेसमैन नहीं बनाता, टेक्नोक्रेट्स या साइंटिस्ट बनाते हैं और वो हमारा बैकबोन है। ये चीज इतनी डीप है कि आज मैं इसमें रिसर्च चालू करूं और कल कुछ बन के नहीं आ जाएगा, और इसलिए इस मॉडल को हमने थोड़ा सा छुपा के रखा था। दो चीज होती है, आपने सबने देखा होगा कि कोई एक कंपनी XYZ मॉडल लेके आती है और उसके 10 लोग कॉपी करके मार्केट में आ जाते हैं। अब वो बाकी के 10 लोग कुछ कर तो नहीं पाएंगे मगर उस चीज को पूरे डैमेज कर देंगे और उसके कारण लोगों का विश्वास उसके ऊपर से हट जाता है। आप सब समझो बिजनेसमैन हो, आपके पास एक फार्मूला है जो 100% गारंटेड सक्सेसफुल फार्मूला है। क्या आप ऐसे के ऐसे उठा के आपके कॉम्पिटिटर को दे दोगे? नहीं दोगे ना। सेम वे गोलभ सर भी कुछ चीजें हिडन रखते हैं जो हमको भी नहीं बताई जाती, कुछ चीजें आपको बताई गई जो इस स्टेज पे हम आपको नहीं बताएंगे। ये क्यों बताया जाता है? क्योंकि मुझे पता नहीं कि मेरे सामने बैठने वाला कौन है, हो सकता है मेरा कॉम्पिटिटर हो सकता है कोई इंटरनेशनल किसी का आदमी हो, तो मुझे नहीं पता ना। तो मैं मेरा राइट सक्सेसफुल फार्मूला किसी को उठा के नहीं दे सकता, इसलिए कुछ चेंजेस इसमें आएंगे। आपको लगेगा ये बोला था और ये ऐसा क्यों हो गया? जैसे कि शुरू में हम LK की बात करते थे, शिवाल काई, अब शिवाल 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 सर करते थे, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, वो शिवाल के पीछे गोल घूम गए। और अचानक से सर ने कॉन्सेप्ट लाया नेपियर का, जो किसानों को पता भी है, उगा भी रहे, अपनी गायों को चारे में दे भी रहे, इसलिए। बट पहले लोग क्या सोचते थे, नेपियर का शिवाल से कैसे करेंगे, ऐसे कैसे करेंगे? तो ऐसी चीजें गोलभ सर टेक्निकली रखते हैं जिसके कारण कॉम्पिटिटर हमारी डायरेक्ट कॉपी ना कर सके। तो हमारी पहली स्ट्रेंथ है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, ओपन सेशन है अपना एक बात में, उसमें भी आप लोग जो पूछना हो वो पूछ सकते हो। बट एक बायोसिंस कल्चर है जिसे कहते हैं बैक्टेरिया कल्चर, ये रॉकवेल के अंदर जो गैस बनाने की प्रक्रिया है वो सर्टेन टेम्परेचर पे वो बैक्टेरिया करते हैं। और ये कल्चर डेवलप करने को जो हमारे पास है, हमारे वैज्ञानिकों को 15 साल लगे।
ऐसा नहीं कि आज किया और कल डेवलप। बहुत लोग बोलते हैं 2012 में आपने कंपनी बनाई, अभी तक क्यों नहीं किया? अभी राइट चीज डेवलप होनी चाहिए। एप्पल, एप्पल शुरू के कई साल लॉस करती थी, एक रुपया प्रॉफिट नहीं किया था, बट आज वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी कौन सी है? तो उन्होंने उसका बेसिक होमवर्क किया कि राइट प्रोडक्ट लेके मैं आऊंगा। आज हमारे पास राइट प्रोडक्ट है। हरियाणा करनाल में करनाल कॉर्पोरेशन के लिए हमारा एक प्लांट चल रहा है ग्रो डीजल के नाम से, जिसमें वेस्ट टू सीएनजी बन रहा है, बट वो प्लांट छोटा है, उसकी कैपेसिटी कम है, और इसके कारण क्या है कि वहां पे सीएनजी गाड़ी को ना देते हुए उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दो कॉलोनी को हम सप्लाई कर रहे हैं। इसमें दूसरा जो अपनी स्ट्रेंथ है वो है स्केल। समझो ये तालुका जो भी कोई है, यहाँ पे हमने एक ही प्लांट लगाया और बाकी कहीं प्लांट नहीं है, तो क्या ब्रांड बनेगी? क्या लोग हमें आसानी से विश्वास करेंगे? लोगों को रिलायबिलिटी भी चाहिए और अवेलेबिलिटी भी चाहिए। मगर समझो अहमदाबाद के आजू बाजू के 15 डिस्ट्रिक्ट में दो दो पंप लगे हैं, तो यहाँ के लोग आराम से सीएनजी पे जाएंगे ना। तो ये स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसलिए ऑलवेज एमसीएल ने मॉडल में काम किया कि एट अ टाइम। पहले सर बोलते थे 200 प्रोजेक्ट करने, जो लोगों को इम्पॉसिबल दिखते थे, बट सर का टारगेट था 50 प्रोजेक्ट पहले फेज में। बट बोलते क्या थे, अब टारगेट 500 का है ही, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट वो एक स्टेप वाइज है। तो हमेशा गोलभ सर एक स्ट्रेटजी रखते हैं कि भाई सारी चीजें हमको उठा के किसी को नहीं देनी, वो हमारे बिजनेस सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। तो पहला स्ट्रेंथ है हमारा मैनेजमेंट, कौन हमारे लोग है, किसके साथ हम काम कर रहे हैं। दूसरी स्ट्रेंथ है बिजनेस मॉडल, जो मैंने बताया कि हम कॉपी करने को आसानी से किसी को नहीं दे सकते। तीसरी स्ट्रेंथ है हमारी टेक्नोलॉजी, जो आज आप गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, पूरी दुनिया में ढूंढ लो, आपका फोर स्टेज डाइजेस्टर कहीं नहीं मिलेगा। अभी सेम टू सेम तो नहीं डेवलप कर सकता है, मगर हो सकता है कि उसकी कॉपी करे, वैसे ही ड्रम खड़ा कर दे। अभी आपको मुझे क्या पता अंदर क्या है, तो हमको तो लगेगा ये टेक्नोलॉजी इधर है, बट वो वैसे नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बायो सीएनजी प्रोजेक्ट पे जाओगे तो वहां पे स्मेल आती है, बास आती है, वो होती है सल्फर की बास। हमने ऐसे बैक्टेरिया, मतलब कोई आकाश से नहीं निकाले, वो अंदर होते हैं वातावरण, उसको इस तरह से डेवलप किया है कि वो सल्फर भी खा जाते, इसलिए हमारे कोई प्रोजेक्ट में कोई बास आती नहीं। अपने प्रोजेक्ट MCL बायोफ्यूल स्टेट इज 100% ग्रीन प्रोजेक्ट, ग्रीन कैटेगरी में आते, ना इसमें कोई बास है, ना चिमनी है, ना वेस्ट है, ना धुआं है, कोई प्रदूषण, कोई आवाज, अभी नॉर्मल आदमी काम करेंगे दैट इज डिफरेंट पार्ट, बट कोई आवाज, कोई न्यूसेंस, कुछ भी नहीं होता है। और इसके कारण इसको एनवायरनमेंट की परमिशन को लेनी पड़ती है, बट इट कम्स इन ग्रीन कैटेगरी, तो कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। सेकेंड है वीकनेस। अब देखो वीकनेस कैसा है, हमारी वीकनेस है तो नहीं है, कब नहीं है, जब हम सब अपना रोल प्रॉपरली करें। मतलब MCL का रोल क्या है, तो भाई फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और प्लांट खड़ा करना, तो उस पर उनको प्रॉपर काम करना चाहिए जो वो कर रहे हैं। हमारा रोल क्या है, तो तालुका लेवल का जो प्लानिंग करना है, जो जमीन अरेंज करनी है, MPO में मेंबर्स बनाने हैं, MVP डेवलप करना है, ये हमारा रोल है। बीच में हमारा रोल क्या है, जो आप भी कर सकते हो, कि आप लोगों को ट्रेन करना, आप लोगों को तैयार करना, आपको इन्फॉर्मेशन देना उसके बारे में। अब ये रोल में MCL तो कहीं चुकने वाले नहीं है, बट हो सकता है कि 325 तालुके जो हमने टाइप किए हैं उसमें से 125 लोग ना कर पाए, क्या फर्क पड़ता है, 200 तो होने वाले, तो कोई अपने को रिस्क नहीं है। जो व्यक्ति नहीं करेगा वो इसमें से बाहर जाएगा, आज तो उसको उसके पैसे का तो किसी भी हाल में उसको बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो तो कोई रिस्क नहीं है। बट कंपनी को चाहिए काम करने वाले लोग। मैंने शुरू में बताया था कि एक कंपनी ने बोला कि 10,000 MPO के मेंबर बनाए, लोग टेंशन में आ गए थे, वो सिंपल सा गणित बना था, आप अगर 10,000 लोग तक जाओगे ना तो 3 साल लगेंगे, नहीं पहुंच पाओगे। ये इंडिविजुअल का काम नहीं है, सिस्टम का काम है। सिस्टम ये है कि इसका लिटरेचर क्या कहना है, कैसे कहना है, ये सब हम भी बताते हैं, गुलाब सर भी बताते हैं। और कुछ ट्रेनिंग आपकी एक दिन में मैं नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें आप जब एवरी सैटरडे गुलाब सर सुबह मीटिंग लेते हैं जितनी तालुका एंटरप्रेनर की है, उसमें वो सारी चीज़ें बताते हैं क्या है। ये डेवलपमेंट का आपको खुद को भी अभ्यास करना होगा, यूट्यूब पे, अदर सोर्सेज पे आपको भी स्टडी करना होगा। तो आप बिजनेसमैन हो तो आपको भी बहुत चीज़ें समझनी और सीखनी पड़ेगी, और ये सिस्टमेटिकली हम जाएंगे अगर, तो इसमें कोई रिस्क, कोई वीकनेस, कोई लायबिलिटी नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं MPO के मेंबर हम बनाएंगे सर, तो लोग हमको देखते हैं और हमको देख के पैसे देते हैं,
और कल हमने पैसे यहाँ पे डाले तो सर हमको प्रॉब्लम हो जाएगा अगर कुछ नहीं हुआ तो ये बात समझ लो। आज भी एमपीओ महाराष्ट्र में, यहाँ तो मुझे नहीं पता, महाराष्ट्र में 2800 एफपीओ रजिस्टर है। ये सारे लोगों से पैसे लेते हैं बिजनेस के नाम पे, थोड़ा बहुत करते भी है, बट कोई इनका गला नहीं पकड़ रहा है। दैट इज अलाउड इन बाय लॉ। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वो पैसे लेके जो एक्टिविटी हमको करनी है वो तो हम करेंगे, बट साथ में फैक्ट्री के साथ उनको कनेक्ट कर रहे हैं। आप उस कंपनी के मालिक नहीं हो, आप डायरेक्टर हो, तो आप काइंड ऑफ अ मैनेजर हो, जो डायरेक्टर वोटिंग राइट से चेंज हो सकते हैं, तो कोई आपका गला कभी पकड़ सकता नहीं। आपके एफपीओ यानी एमपीओ और एमसीएल के बीच में लीगल एग्रीमेंट होता है। तो कल को कोई बोला है मैंने 250 रुपए लिए, भाई कहाँ दिए, देखिए एमसीएल को दिए, ये एग्रीमेंट है, कोई रिस्क कोई लायबिलिटी कंपनी आपके ऊपर रख नहीं है। फ्रंट में आप हो तो अभी जो स्टेज आया, जैसे मैं 3 साल पहले आया तो हम लोग एक सिस्टम बिल्ड कर रहे थे, फैक्ट्री की बात नहीं थी। मैंने खुद ने कोलार प्लांट मेरे जुड़ने के 12 महीने बाद देखा था पहली बार, तभी करनाल का प्लांट तो था ही नहीं, ठीक है। तो आज आप लोग जिस स्टेज पे आए हो ये अभी एक बिगिनिंग हो चुका है इसका। जैसे दिसंबर में समझो एक कारा प्लांट हमारा रनिंग हो जाएगा, आने वाले साल भर में जो अनाउंस हुए वो प्लांट रनिंग हो जाएंगे, आपकी कॉम्पिटिशन खत्म हो गई, लोग आपके दरवाजे में आएंगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत है। बट तब तक हमको लोगों को बताना है। बताने में क्या होगा, 100 में से 90 लोग बोलेंगे भाई नहीं हमको नहीं जुड़ना, नो प्रॉब्लम, 10 लोग तो जुड़ेंगे, और 90 लोग जो है ना जिनको आपने बताया वो भी आपका फेल नहीं किया। आज मुझे सामने से फोन आते हैं, सर आपने वो एमसीएल का बताया था बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे तालुका बुक करना है। और महाराष्ट्र में ऐसा है, पैसे लेके जमीन लेके एक एक तालुका के लिए 5-5, 6-6 लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं मिल रहा था कंपनी अभी टाइट हो, बाहर अभी उतनी कॉम्पिटिशन नहीं है क्योंकि लिमिटेड है। तो ये पूरा का पूरा है, अगर हम सब मिलकर यूनाइटेडली काम करें तो कोई हमारी वीकनेस नहीं है। अपॉर्चुनिटी, मैंने आपको बताया कि आज की बिगेस्ट इंडस्ट्री है ऑयल एंड गैस, और भविष्य की बिगेस्ट इंडस्ट्री होगी रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस, और इसमें आप पायोनियर हो। सनराइज पीरियड, सनराइज पीरियड मतलब क्या, सूर्योदय का समय, 90s के टाइम में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है इंडिया में, ठीक है। बहुत लोगों को तो समझ भी नहीं आया, बोले कंप्यूटर कंप्यूटर इंडिया में नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, हाँ। मगर जिन्होंने समझा और जिन्होंने कंपनी डाली वो इंफोसिस और विप्रो बन गए, अच्छे से काम किया। ये अपॉर्चुनिटी कॉमन आदमी को कभी नहीं मिलती, एमसीएल के कारण, इनके मॉडल के कारण हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है कि सनराइज पीरियड में हम एंट्री करें, और जैसे इंडस्ट्री बढ़ेगी हम सब खुद ब खुद बड़े हो जाएंगे। इट इज अ प्रोसेस, हम चाहे कि ना चाहे वो होना है, सिर्फ हमको सिस्टम में रहना है, और वो सिस्टम में रहने के लिए पहला स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है, पूरा रोड मैप बना हुआ है जो मैं आपको आज शाम को देने वाला हूँ। कंपनी ने हर चीज डिफाइन किया, बट चलने वाला आदमी तो चाहिए। मैं बोलता हूँ कि आपको 10वीं मंजिल पे जाना है, इधर लिफ्ट से जाओगे या सीढ़ी चढ़ के जाओगे, बट लिफ्ट के अंदर जाना तो पड़ेगा, सीढ़ी चढ़ना है तो एक एक स्टेप चढ़ने तो पड़ेंगे। अगर आदमी चढ़े ही नहीं तो मैं क्या कर दूंगा उसको। आपको जो सवाल आएंगे, जो प्रॉब्लम आएगी, जो डिफिकल्टी आएगी, आपके पहले 200 लोगों को आके गई है, वो फील्ड पे काम कर रहे हैं, उसके जवाब हमको पता है। आप जब बोलोगे तब हम आपको उसका जवाब बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। दैट इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, कि आदमी काम करेगा तो उसको प्रॉब्लम आएगा, आएगा तो हमको पूछेगा। और 10,000 मेंबर का जो टारगेट है, सिंपल, अगर आपने हर ग्राम पंचायत में एक या दो व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया कि आप हमारे साथ जुड़ो, आपको हम ये करेंगे बेनिफिट, वो व्यक्ति आप 10,000 नहीं कर सकते मगर वो 100 कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे 100 लोग 100 करते हैं तो 10,000 तो बोलते हैं, ये कोई बहुत बड़ा इम्पॉसिबल टारगेट, बट गोलभ सर बिल्कुल ऐसा नहीं बोलते कि एक दिन में आप 10,000 करो, वेट इज अ प्रोसेस, हमको करना पड़ेगा। अगर हमको ये डर लगता है, अगर हम मन से तैयार नहीं है कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, तो मेहरबानी करके आप एमसीएल में मत आइए, क्योंकि हमारा बेस ही है, हमारी कंपनी की बेस, कंपनी की फिलोसॉफी, आपका बिजनेस का बेस, ये सारा यहीं पे है। हमारा सक्सेस फ्यूचर में कॉम्पिटिटर से लड़ने का पावर सब इससे ही आने वाला है, तो हमको ये करना पड़ेगा। अब और एक चीज आपको, दो चीज बता देता हूँ कि जो लोगों को आप ये चैनल पार्टनर बनाओगे, समझो आपने उनको टारगेट दिया कि 100 लोगों को आपको जोड़ना है, उन्होंने जोड़ दिया 1 महीने 2 महीने 3 महीने, तब उनका फायदा क्या? तो सबसे पहला 1,000 से 2,500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो किसको देंगे हम सर, जो जिसके लिए एलिजिबल है उसको। तालुका लेवल पे जैसी आपकी 10% की कंपनी बनती है ना, वैसे तालुका मार्केटिंग कंपनी आपकी बनेगी, जो प्रोपराइटर भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, आपको जैसे फॉर्म करनी है वैसे चलेगी।
हमने ऐसा किया है कि तालुका के जितना शेयर कैपिटल कलेक्ट होता है जो एमसीएल के पास जाता है उसका 35% कंपनी आपको डेवलपमेंट फंड देती है। फॉर एग्जांपल तालुका में 50 लाख कलेक्ट हुए तो 50 लाख के 35% कितने हो गए, बराबर। ये आपको पैसे मिलेंगे कंपनी के तरफ से आपकी मार्केटिंग कंपनी में, जिसमें से 10% आप कलेक्शन को बच्चे को दे सकते हो, ऑफिस का खर्चा आपका निकल सकता है, आपका एनए का खर्चा। क्योंकि हमने जो मॉडल बनाया ना वो हमने ऐसा सोच के बनाया कि हमसे जुड़ने वाले कॉमन लोग है, करोड़पति नहीं है, होंगे है, मेरे पास एमएलए भी है, मेरे पास एमपी भी है, मेरे पास कलेक्टर भी है, आईपीएस है, सब है मेरी टीम में, बट मेजर क्या है तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली जो आज की मार्केट में स्ट्रगल कर रहा है, पैसे होंगे तो भी अटके हुए हैं, प्रॉब्लम है। तो ये कैसे आगे का काम करेगा, तो ये ऐसे काम करेगा, जितना कलेक्शन ज़्यादा आपका होगा उतना डेवलपमेंट फंड आपके पास ज़्यादा आएगा, उतना आपका फायदा होगा और उनका फायदा तो उनको मिलने ही वाला है। तो ये प्रकार का अपना टोटल मॉडल है। दूसरा है टू बिकम बिगेस्ट कंपनी इन रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस सेक्टर। एमसीएल आज इतना जर्नी कर चुकी है और हमने अभी इतना बेस बना लिया है कि अगर हम सिर्फ 25 प्रोजेक्ट चालू करेंगे तो इंडिया में नहीं वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी होंगे रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस, कोई नहीं है आजू बाजू में अभी तक। और वो आने को टाइम जाएगा, उसके पहले हम रेडी हो गए होंगे। तो वी कैन बिकम द बिगेस्ट कंपनी इन रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस सेक्टर और मार्केट का 30% शेयर हम ले सकते हैं। इतना करने के बाद भी मार्केट का सिर्फ 30% तक जा सकते हैं 10,000-5,000 फैक्ट्री लगाने के बाद। तो इसमें कितने भी लोग आए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा बिजनेस मजबूत हो। टू सर्व अवर नेशन एंड मदर अर्थ, धरती माता का जो प्रॉब्लम है ठीक है उसका सॉल्यूशन हमारे बिजनेस में, कंट्री का मैंने सब बताया आपको किस तरह से सारा सॉल्यूशन है। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। थ्रेट क्या है, खतरा क्या है, खतरा है इंटरनेशनल कंपनी, इंडिया में तो कोई कंपटीशन नहीं है। और आप देखोगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलायंस भी ऑयल एंड गैस से बिजनेस से बाहर आ रहा है, वो जियो पे फोकस कर रहा है, वो रिटेल पे फोकस कर रहा है, कहीं आपने देखा है ऑयल एंड गैस में वो ज़्यादा फोकस कर रहा है रिसेंटली, उनको मालूम है कि ये इंडस्ट्री अब अपने हाथ से जाने वाली है, तो वो लोग अभी उस पर उतने सीरियस नहीं है। और वो नहीं, बट फॉरेन में ऐसी कंपनी है जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है हमको रोकने में। और ये इतने बड़े, फॉर एग्जांपल ये 8 लाख करोड़ हर साल जो बाहर जा रहे हैं ये किसी न किसी देश के पास जा रहे हैं, वो देश चाहेगा कि हम इतने सक्सेसफुल हो, कल वो कुछ भी कर सकते। आज गवर्नमेंट एक है, कल गवर्नमेंट दूसरी आएगी, अगर पॉलिसी चेंज हो गई कुछ ऐसी तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। बट उस केज में अगर हमारे पास हर तहसील में 10,000 लोग हैं, कोई सरकार हमारे अगेंस्ट काम कर सकती है क्या, कभी नहीं कर सकती। दूसरा, ना कोई पॉल्यूशन है, ना कोई नुकसान है, ना कोई आवाज़ है, और इतने लोगों को रोजगार है, इस इंडस्ट्री को कल कोई रोक नहीं सकता। बट अभी हम इतने बड़े हुए नहीं है, तो इस लेवल पे हमको वो ध्यान रखना है कि हम एक लेवल एक स्केल तक पहुँचे तब तक हम आराम से ज़्यादा आवाज़ नहीं करके, ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं करके काम करें। आज चाहता तो मैं यहाँ पे गुजरात के सारे न्यूज़पेपर वालों को बुला सकता था, मैं मीडिया वालों को बुला सकता था क्योंकि मैं खुद मीडिया से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। हम चाहते तो कोलाड प्लांट का रिबिन गडकरी जी के पास कटवा के बुम्बा बुम कर सकते थे, बट वो हमारा एजेंडा नहीं है। मैंने गुलाबतर को बोला कि सर मैं उधर न्यूज़पेपर वगैरह में करूँ क्या, बोले दैट इज़ नॉट अवर टारगेट, हमारा टारगेट है हमारे लोग, हमारा बिजनेस, वो हमको। अभी कहीं कहीं आ जाते हैं मीडिया में, अलग बात है, कोई दे देता है, कोई बता देता है, उनको भी कुछ अच्छा चीज़ चाहिए होता है तो वो छाप देते हैं, ठीक, डिफरेंट। बट ये हमारा मेन है। और कॉपी ऑफ आवर बिजनेस मॉडल, मैंने आपको बताया ना कि एक सक्सेसफुल मॉडल बनाया सालों के अभ्यास के बाद। अब हो सकता है कि कोई एक बंदा हो जिसके पास ना टेक्नोलॉजी हो ना उसको बिजनेस करना हो, बट ये मॉडल बना के बोले लोगों से करोड़ों रुपये लेके अगर वो उड़ गया तो उसकी तो बैंड बजेगी बजेगी या उसका जो भी होगा, बट बदनामी भी किसकी होगी साथ में और लोगों का ट्रस्ट हम पे से हटेगा। इसलिए इन चीज़ों को हमने एक स्केल के ऊपर रखा था। अब वो टाइम आ गया है कि हम मार्केट में फुल फ्लेज आएंगे, हमको कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। ये एमसीएल बिजनेस मॉडल इज अ गारंटी टू सक्सेस एज इट इज डेवलप विथ रिसर्च एंड फील्ड वर्क एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 ईयर्स। सिर्फ रिसर्च बेस्ड काम नहीं है, ये साइंटिस्ट ऐसा काम करते हैं कि इन्होंने जो R&D भी किया ना वो लार्ज स्केल प्रोडक्ट पे किया, कोई डेमो पे नहीं किया, छोटे पे। तो ये इस तरह से इन्होंने बना के रखा है
कि कोई भी किसी को प्रॉब्लम आने वाला कभी नहीं है। तो ये आप समझ लीजिए कि हमारी स्ट्रेंथ, हमारी अपॉर्चुनिटी और हमारी थ्रेट, ये हमने एनालाइज किया है। वीकनेस है तभी अगर हम सब अपना रोल नहीं करेंगे तो MCL इज वेरी स्ट्रिक्ट। जो नहीं रोल करेगा, आपने पैसे दिए, शेयर लिए, राम राम, आप मत करो, आपसे नहीं होता है। बट अगर करना है तो सिस्टमेटिकली करो। और 2-5-10 प्रोजेक्ट वाले फेल हो जाए, उससे MCL का मॉडल फेल होने वाला नहीं है। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा आप लोगों के मन में आता होगा, इतना फाइनेंस आएगा कहां से? एक प्रोजेक्ट 50 करोड़ का, 50 प्रोजेक्ट 2500 करोड़ के, ठीक है, 500 प्रोजेक्ट, 5000 प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, ये हलवा है क्या? कहां से आएगा? तो सबसे पहले ये हमको समझना होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट को पैसा आता कैसे और क्यों आता है। जब कोई इन्वेस्टर, कोई बैंक, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले वो क्या देखता है कि वो प्रोजेक्ट का जो बेस है, मतलब आइदर टेक्नोलॉजी बेस है या सर्विस बेस है, वो उनके पास प्रॉपर है कि नहीं। रनिंग प्रोजेक्ट करनाल में चल रहा है, कोलाड़ का दिसंबर में चालू हो जाएगा, वो आराम से हम ऐसे लोगों को दिखा सकते हैं जरूरत पड़ने पर। दूसरा कोई भी ये देखता है कि इनका जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबिलिटी क्या है। अब नेपियर ग्रास की अवेलेबिलिटी, मुझे लगता है मेरी किससे बात हुई थी, जिन्होंने बोला हड़वत तालुका, हाँ 700 एकड़ जमीन तो अभी रेडी है। अब वो 7000 पे भी जाएगी जब प्रोजेक्ट रनिंग चालू हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल जितना चाहिए उतना हमारे लिए अवेलेबल है। तीसरा वो क्या देखेगा कि ये प्रोडक्ट तो बना देंगे, ये बिकेगा कि नहीं। आज हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट, कितना 82%। आज CNG के पंप गुजरात में है क्योंकि गुजरात गैस कंपनी है, महाराष्ट्र में मुंबई में है, पुणे में है, नासिक में नहीं। महाराष्ट्र के रिमोट एरिया में कहीं जाओ आपको बायो CNG के पंप नहीं मिलेंगे, CNG के। बायो CNG तो छोड़ दो, क्यों? सप्लाई ही नहीं है उतना। सप्लाई नहीं है तो आएगा कैसे? और आएगा तो सस्ता है, माइलेज ज्यादा देता है, तो सब प्रीफर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जितना हम बनाएंगे हमको ही कम पड़ने वाला है, और बढ़ गया तो वी विल बिकम फ्यूचर ऑफ ए कंट्री। तो ये देखने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी धंधे में पैसा देता है। कोरोना काल के बाद गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैंकों को 1,00,000 करोड़ रिलीज किए, बट बैंक किसी को दे नहीं रही। क्यों नहीं दे रही है? मैं पैसा डूब गया तो मेरे गले पे आएगा, गवर्नमेंट के गले पे थोड़ी जाएगा, जवाब तो मुझे देना है। बट जब सक्सेसफुल मॉडल रनिंग होगा, पैसे की कोई कमी नहीं है इस इंडस्ट्री में। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आए कि सर हम 10 प्रोजेक्ट फाइनेंस करना चाहते हैं, 20 प्रोजेक्ट फाइनेंस करना चाहते हैं। अभी तक गोलक सर ने किसी को लिया नहीं है, उनका अपना मॉडल है, वो मॉडल पे उन्होंने काम किया है। ही इज रेडी विद 50, और 50 का मतलब है 50 प्रोजेक्ट रनिंग सक्सेसफुल हुए तो 5000 प्रोजेक्ट के फाइनेंस को कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। अब आपको और एक गणित समझाता, ये बहुत समझने जैसा है, थोड़ा बहुत आपके ध्यान में भी आया होगा, बट फिर भी समझा दो। रिलायंस जियो जब बना तब उन्होंने 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसमें किया। 30,000 का इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन्होंने 6 महीने फ्री में बांटा। उन्होंने क्या किया सर, कोई बताएगा मुझे क्या बनाया उन्होंने बांट के फ्री में? कस्टमर बनाया। कस्टमर इज एनी, जो कंपनी है उसका बेस कस्टमर माना जाता है। अब जितने मेंबर आप MPO में बनाओगे ये आपके क्या है? अब जियो जो 30,000 करोड़ की कंपनी बनी उसने अपना 25% स्टेक 3,00,000 करोड़ में बेचा। क्यों बेचा, कैसे बेचा? कस्टमर ने, तो कोई पागल है डालने को पैसा। रिसेंटली रिलायंस ने बिग बाजार को टेक ओवर किया, लॉस करने वाली कंपनी है, लॉस करने वाली कंपनी को कितने में टेकओवर किया? 25,000 करोड़ में। रिलायंस रिटेल में लाए और 2 दिन में उन्होंने सौदे किए हैं 1.something% और 0.25% 17,500 करोड़। लॉस करते बिजनेस को खरीद के, क्यों? बेस लिया। सेम वे अगर हमारा बेस स्ट्रांग है, हमारी फैक्ट्री चालू हो गई तो हमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, तालुका फैक्ट्री का 10% आपको शेयर दिया जा रहा है, अप टू 5-10% जो भी MPO का कलेक्शन होगा वो हिसाब से उनको डिविडेंड, मतलब शेयर जाएंगे उसके। 80% अप्रोक्सीमेट 80-85% MCL के पास बचेगा।
अब आज से 5-7 साल बाद वो तालुका कंपनी जब रनिंग प्रॉफिट में आती है, 20-25% आरओआई पे आती है, वो 1 रुपये का हम 100 रुपया वैल्यूएशन करके आईपीओ में जाते हैं तो कितना पैसा मिलेगा सर? कंपनी का क्या वैल्यू हो गया? 50 करोड़ शेयर, 100 रुपये का भाव, 5,000 करोड़ के आपकी तालुका फैक्ट्री की नेटवर्थ, आप वर्थ हुए 500 करोड़, बट बाकी किसके पास है? अगर उसने का 10% एमसीएल किसी को 500 करोड़ में दे दे, फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम है क्या? पैसे लगाने वाले पड़े हैं, लगाए कहां वो प्रॉब्लम है, किसके भरोसे लगाए? तो फाइनेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम, देयर आर मल्टीपल मॉडल, बट गोलभ सर वो मॉडल चॉइस करना चाहते हैं जो मॉडल प्रैक्टिकली अपने लिए फायदे का हो। इनिशियल स्टेज में कंपनी के पास पैसे देने लोग आए, जैसे वेस्टले ग्रुप है अमेरिका का, वेस्टले ग्रुप एलएनपी, जिसने कंपनी का 35% स्टेक, 2 डायरेक्टर ऑन बोर्ड और 5,000 करोड़ रुपए का बताया, गोलभ सर ने नहीं लिया। हमने एजीएम में, मैं उस एजीएम में था, रिजोल्यूशन पास किया था कि हम इसको देंगे, नहीं दिए, उसको छोटा सा स्टेक दिया 71 रुपीज पर शेयर के भाव से, जो आपको 30 रुपए से दे। याद से 2 साल पहले गोलभ सर 71 रुपीज में स्टेक लाऊ, वो भी नहीं दिया उनको, क्योंकि ये चाहते हैं कि मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 नहीं बनाना। तो फाइनेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम, कहां से लेना वो उनका कंसर्न है, उन पे छोड़ दो। और अगर वो नहीं कर पाए तो हर तालुका फैक्ट्री की अगर टेक्नो एक रनिंग मॉडल रेडी है, आपकी जमीन रेडी है, आपकी परमिशन रेडी है, आपका रॉ मटेरियल रेडी है, तो पैसे लगाने वालों की कोई कमी नहीं। तो ये हमको सोचना ही नहीं कि पैसे कहां से आएंगे, पैसे इतने आएंगे कि लेंगे कि नहीं लेंगे, हमको सोचना है। तो ये जबरदस्त मॉडल है अरबोंपति। अभी वर्ल्ड बैंक के पास रिन्यूएबल इंडस्ट्री के लिए कितने पैसे पड़े पता है? 12 लाख करोड़ रुपए। किसको देने का? ये है सोलर वाले को दे रहे, पर वो कितना सक्सेसफुल है आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे कोई आपको नेगेटिव सोचने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो ये स्वॉट एनालिसिस आपको बेसिक में इसलिए बताया गया कि आपको हमारा सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें क्या है। हो सकता है कोई छोटे मोटे इसमें फैक्ट हो, बट मैटर जो है मेजर वो यही आता है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर मेरे ध्यान में आता है बहुत बार, आप लोग तो वो हो जिन्होंने ऑलरेडी बिजनेस कर लिया है, बट कल जो सेमिनार में आएंगे लोग वो फ्रेशर्स होंगे, वो सारा सुनेंगे, सुनने के मुझे सुनेंगे 3 घंटा, सब समझेंगे, सवाल जवाब पूछेंगे, अच्छा लगा या नहीं लगा, जो अच्छा लगा वो घर पे जाएंगे अपने मित्रों को इसको उसको बताएंगे, अब उसको कुछ मालूम नहीं। ऑयल एंड गैस सेक्टर वाले एक ऑफिसर को रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस सेक्टर का कुछ नहीं मालूम, क्योंकि वो था ही नहीं ना एस्टेब्लिश, तभी आज भी एस्टैब्लिश नहीं है इंडस्ट्री, क्या मालूम होगा ये मॉडल? नहीं नहीं पैसा जमा करने का धंधा है। तो अगर कोई आदमी शॉर्टकट में मुझे पूछेगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? मैं बोलूंगा मेरे मेरे यूट्यूब के 9 वीडियो देख भाई, मैं जो भेजता हूँ वो सब देख, फिर सवाल पूछना, नहीं तो सवाल मत पूछ। ठीक है, ओपिनियन किसका लेते वो इम्पोर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, गए अपने दोस्त को ऐसे ऐसे में फेंट, अरे ऐसा थोड़ी होता है, अरे क्यों नहीं होता, प्राज इंजीनियरिंग कर रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा कर रहा है, एग्रोगेस कर रहा है, तो क्यों नहीं होता है भाई? फिर लोग सवाल, अरे वो लोग अगर इतना पैसा दे ले रहे, टेक्नोलॉजी दे रहे, तो आपको क्यों 10% की पार्टनरशिप दे रहे? भाई ग्राउंड लेवल काम कौन करेगा? कोई तो चाहिए ना। पगारदार आदमी का काम करना और पार्टनर का काम करने में फर्क है ना। और कंपनी का एंगल ही ये है कि हमको लोगों को बड़ा बनाना है, वो बड़े बनेंगे तो हम खुद ब खुद बड़े बनेंगे, ये एक दूसरे का पूरक है, स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है दोनों का, एक दूसरे का पूरा, और इस प्रकार का मॉडल है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप अगर किसी का ओपिनियन लेते हो। अभी 2 दिन पहले एक मजेदार किस्सा हो गया, हमारे रमेश पाटिल सर है, उन्होंने येवला तालुका नासिक में बुक किया, और वो बंदा है बहुत एक्साइटेड, सर मेरा पैसा रेडी है मैं कर रहा हूँ, बट बेचारा डर के मारे इधर उधर बात कर रहा था। तो मैंने बोला बात कर रहा हूँ किसको क्या है, तो एक आदमी ने मुझे उनके फ़ोन किया, उन्होंने सवाल पूछा 10 लाख हम दे रहे हैं इसकी सिक्योरिटी क्या? मैंने जवाब देना शुरू किया, उसने मुझे ब्रेक मारी, बोले आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है। तो तुझे वेबसाइट से धंधा करता है कि कंपनी से धंधा करता है? सिक्योर नहीं है मतलब क्या? ट्विटर का नरेंद्र मोदी जी का अकाउंट हैक कर दिया आदमी, तो वेबसाइट से थोड़ी धंधा होता है, धंधा होता है कंपनी से। फिर उसको मैंने समझा भाई तेरा कोई सीए है, तेरा कोई ऐसा व्यक्ति है, तो उससे बात। तो उनका फोन आया, वो व्यक्ति को मैंने हर एक सवाल के जवाब दिए, सेटिस्फाइड हुआ, दूसरे दिन उन्होंने 10,05,000 भरे, अभी वो प्रोजेक्ट कर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसका ओपिनियन लेते हो, उस आदमी को उस सब्जेक्ट में कुछ मालूम है क्या? अगर मालूम ही नहीं है तो उसका ओपिनियन का कोई मतलब नहीं। उसने मुझे 3 घंटा सुना है क्या? उसने कंपनी का स्टडी किया है क्या?
अभी दूसरा नेचर ऐसा होता है आदमी का कि नेगेटिव नेचर होता है। अब नेगेटिव नेचर है ना, तो आपको उसको कितना भी समझा दो वो कभी जिंदगी में मानेगा। ऐसे लोगों को हम सारे सवाल के जवाब देते हैं, हम बोलते हैं राम राम, वो बाद में आना कोई प्रॉब्लम। इस प्रकार से अपना ये पूरा सेशन है, हमने किट बनाया आप लोगों के लिए, जिस किट में MCL के चारों ब्रोशर, मतलब MCL का ब्रोशर, तालुका फैक्ट्री का ब्रोशर, MPO जो अपन तालुका में बनाना उसका ब्रोशर, MVP उसका ब्रोशर, उसके अलावा चारों के फॉर्म, मतलब MBO का एप्लीकेशन फॉर्म, MPO का एप्लीकेशन फॉर्म, आपका शेयर एप्लीकेशन फॉर्म अगर शेयर में जाना है तो, और उसके अलावा MVP का एक फॉर्म, अभी तो आपका MVP डायरेक्ट नहीं लगेगा बट जब आप करोगे तब लगेगा। उसके अलावा जो MOU अभी अपना MCL के साइन होता है इनिशियली, वो MOU का कॉपी है। बायबैक अभी तक दे रहे तो एक बायबैक MOU का एग्जाम्पल में लेके आया हूँ। MPO जो रजिस्टर होगा उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारा एक कॉमन है, उसकी कॉपी में लाया हो। आप जो बिजनेस करोगे बिजनेस लाइन है उसका, उसका एक कॉपी उसमें है। इस तरह से एक सेट हमने बनाया है जो मैं आप सबको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, फिर एक एक करके मैं डॉक्यूमेंट भी दिखा देता हूँ क्या क्या है करके, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। बट MPO का थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन बता दो, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी प्रोजेक्ट करने कर रहे हो, तो जब आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर करो तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अपना कॉमन है, वही आपको यूज करना है, क्योंकि उसमें अपने बिजनेस से रिलेटेड सब लिखा गया है कि हमको क्या करना है। अगर रह गया है किसी कारणवश हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए, बीच के चैनल से कम्युनिकेट नहीं हुआ, तो आप अल्ट्रेशन कर सकते हो। दूसरा, पेड अप कैपिटल अपने MPO का, मतलब FPO का होता है 15 लाख रुपीज, और ऑथोराइज कैपिटल होता है 10,000 रुपीज। ऑथोराइज कैपिटल 10,000 क्यों, तो अगर आपने 1 लाख दिखाया तो आपको इमीडिएटली अकाउंट में 1 लाख भरना पड़ेगा। तो 10,000 10 मेंबर का 1,000 रुपए के शेयर ले लेते तो ऑथराइज कैपिटल हो जाता है, फिर आप बढ़ाते रहते हो 15 लाख तक। अब जब आप पहुंचोगे तब उसको 50 लाख या इस तरह से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा है, जब आप FPO बनाओ तब उसका एक मीटिंग लेके आपका चेयरमैन सेक्रेटरी जो भी है बॉडी वो फाइनल कर दो, क्योंकि जब आप मेंबर बनाओगे उसके बाद आप मीटिंग बुलाओगे तो उनका वोटिंग राइट होगा। तो ये अगर आप कर दोगे तो 3 से 5 साल आपको कोई हिलाएगा नहीं, और 3 से 5 साल बाद अगर वो तो हमको कभी छोड़ेंगे नहीं, अगर आप किसका भला कर रहे हो कोई आपको नहीं छोड़ेगा, बट समझो छोड़ भी दिया तो भी हमको कोई फर्क पड़ता, क्योंकि आपका 10% कहीं जाने वाला नहीं है। 2005 में हाई यील्ड जट्रोफा ट्री का IC कोड लिया था, स्पेशल स्पीस डेवलप की थी जो जल्दी फल देती थी, उसका IC कोड भी लिया हुआ था। उसके अलावा जट्रोफा का 100 एकर वेस्ट एंड नियर मुंबई एंड 1,000 एकर इन 7 स्टेट ऑफ इंडिया प्लांटेशन सब कराया था इन्होंने। डेवलपमेंट ऑफ कैटलिस्ट फ्री टेक्नोलॉजी फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन, मैंने बताया ना एक मिरेकल करके हमारा प्रोडक्ट था, जो पेट्रोल डीजल में कुछ ड्रॉप डालते थे तो पॉल्यूशन करने का छोड़ देता था। उसके अलावा इंडियन रेलवे के लिए काम किया है, बहुत सा इन्होंने काम किया है, तो इसके कारण इनको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये कंपनी का ब्रोशर है, ठीक है। सबके पास ये वाली बुक है क्या, सबके पास है ये, किसी के किट में नहीं आई ऐसा कोई, प्लीज चेक, अगर किसी के पास नहीं आई है तो बताइए आपके ये कंपनी जो अपना तालुका प्रोजेक्ट लगेगा MCL बायोफ्यूल स्टेट MBE, उसकी सारी डिटेल इसके अंदर है। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको भी आप लोग सिस्टमेटिकली पढ़े, अगर आपके कोई डाउट हो कोई सवाल हो तो आप लोग। इस तरह से एल्गी फार्मिंग होगा जहाँ पे पानी कम है, ठीक है, समझो सूखा जमीन है, तो वहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रकार है बस 8 फुट बाय 8 फुट और 1.5 फुट गहरा, ऐसे खड्डे होंगे, 1 एकड़ जमीन में जितने खड्डे हो सकते होंगे उसमें प्लास्टिक रखा जाएगा, वो प्लास्टिक में पानी भरा जाएगा, वो पानी में शिवार जो स्थानीय शिवार होती है उसके कुछ डाली जाएगी, उसको न्यूट्रिशन दिए जाएंगे, उसको हिलाया जाएगा, पहली बार वो 15 से 20 दिन में ग्रो होती है, ठीक है, शिवा काई या गुजराती में लील कहते हैं, एल्गे इंग्लिश में। एक बार 15-20 दिन बाद हम उसको निकालेंगे, थोड़ा छोड़ देंगे, जो छोड़ेंगे वो 8 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर डबल होता है, मल्टीप्लाइज, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पीस ऑन अर्थ शिवाल काई लील, और ये फ्यूचर का बायोमास का सोर्स है। अब जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे उस खड्डे में प्लास्टिक रख के हमने पानी भर दिया, उसमें शेवाल डाल दी, अब शेवाल बनने से कारण उसका जो बाष्पीभवन इवेपरेशन होना चाहिए वो नहीं होता है, और ये पानी 2-3 महीना भी चलता है,
और एक एकड़ में एक दिन में 300 रुपया, तो महीने का 9 से 10 हजार, 12 महीने का 1,20,000 रुपया वो लेबर कमा सकता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट मैं कम बता रहा हूँ। तो जो जमीन में नेपियर ग्रास भी नहीं उग सकता, दर्शीवर अब खट्टा नहीं कर सकते, पत्थर है ऊपर, गमले रख देंगे प्लास्टिक के बने। मैंने अभी किसी को बताया था कि जहां चाह है वहां रहा है, करने वाला चीज हर चीज का। ये फॉरेन में इस तरह से उसके बनते हैं और इस तरह से एल्गे, बट आज एल्गे की खेती हो रही है स्पिरुलिना, जो हम विटामिन के लिए यूज करते हैं, मल्टी विटामिन की तरह होती है, उसमें बहुत प्रकार के विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और बहुत सारी चीज़ें होती है, हेल्थ के लिए अच्छी मानी जाती है, तो स्पिरुलिना। बट हमको कोई उससे मतलब नहीं। दूसरा, इसमें पानी जो लगेगा वो कोई हमको अच्छा पानी, नदी का साफ पानी नहीं चाहिए, गंदे पानी से भी चलो, गंदा पानी, गटर का पानी भी चलो, क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ केमिकल पानी हमने और खराब पानी चलेगा। तो ये फ्यूचर ऑफ बायोमास, ये भी होने वाला है। हर चीज का सॉल्यूशन एमसीएल को पता है, बट सब चीज टाइम आने पर। बाकी के जो भी बिजनेस है वो सारा, ये वो मशीन है, रिएक्टर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मशीन, कोलर प्लांट में लगा हुआ है। ये 2 टन वेस्ट को, जो मुझे बताया गया था, 40 मिनट्स में डायरेक्टली क्रूड ऑयल में कन्वर्ट करता है इनऑर्गेनिक वेस्ट को, और उसको फिल्टर करते, ये फिल्ट्रेशन सिस्टम है, इधर छोटे लेवल पे लगी थी, जो उसमें से पेट्रोल, डीजल, ऑयल और बिटुमेन, डामर अलग करता। इसका प्रोविजन भी हर प्लांट के साथ रहेगा, बट ये हमारा ट्राई है कि हम बड़े लेवल पे करें, और जब डिस्ट्रिक्ट लेवल में करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट के जितने तालुके वाले एंटरप्रेनर है वो सबको उसमें साथ में कहीं ना कहीं लिया जाएगा। आपके बिगर कोई काम नहीं करेंगे एमसीएल, एमसीएल मतलब आप और आप मतलब एमसी, वेरी सिंपल, हम अलग नहीं है ना, मैं ना एमसीएल ना, ठीक है। बाकी ये प्लांट कोलाड़ में खड़ा है, जो दिसंबर के बाद हमको देखने को मिलेगा, और ये रॉकवेल आपको मैंने बता दिया, ये ब्रोशर एक है, एमपीओ किसान उत्पादक संगठन, एक्चुअली इट इज अ कंपनी, ये कंपनी लिमिटेड कंपनी की तरह होती है, इसका रजिस्ट्रेशन आरओसी में ही होता है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में, ठीक है। इट कैन वर्क लाइक अ प्राइवेट कंपनी, पैसे ले सकती है, पैसे दे सकती है, लोन ले सकती है, लोन दे सकती है, कोई भी बिजनेस कर सकती है, एनीथिंग दिस कंपनी कैन डू जस्ट लाइक अ कंपनी, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य है हमारा, क्या है ये सारा हमने इसमें बताया है, ये आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको एक ही इसमें सारा क्लियर हो जाएगा। बट अभी तालुका लेवल पे किसानों को मेंबर बनाने टाइम इतना बड़ा बांटना आपको अफोर्डेबल नहीं होगा, तो इसका 4 पेज का लीफलेट भी डिजाइन है, हिंदी और मराठी में हो गया, गुजराती भी कुछ दिन में होके आ जाएगा, वो आपको हो गया ना, हाई सिंगल पेज है आपके पास, हजी इम्प्रूव आनु बनाई दे, तो वो भी हमारे पास लगभग रेडी हो जाएगा। आपको विजिटिंग कार्ड कैसा बनाना है, पेपलेट कैसा बनाना है, होर्डिंग कैसा बनाना है, सब कुछ रेडीमेड मिलेगा। आप चाहो तो थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन कर सकते हो, बट आपको हर चीज़ की मेहनत जीरो से नहीं करनी है, बहुत सी चीज़ें आपको तैयार मिलेगी। MVP प्रोजेक्ट, MCL विलेज प्रोजेक्ट, ये क्या है, कैसे होगा, कैसे चलेगा, क्या क्या करना है, इसकी डिटेल इसके अंदर दी गई। परियोजना के फायदे, ट्रिपल बॉटम लाइन, पर्यावरण पहलू, सामाजिक उद्देश्य, आर्थिक आधार, ट्रिपल बॉटम लाइन ये है। पात्रता क्या है, मापदंड क्या है, इसका इकोनॉमिक्स यहाँ पे दिया गया है, 40 टन डेली 25% यानी 10 टन, कॉस्ट 25 लाख रुपया, इसका मार्जिन मनी 0.43 लाख, मतलब 43,000 रुपया हर महीने आप कमा, उसका पूरा कैलकुलेशन भी दिया गया, सब चीज ओपन है, बट ये आपके लिए, ये हम नए को नहीं देते, पहले वो हमारा हो तो सही, तब हम देंगे ना, नए कोई बांट के क्या करो, खतरे में डाल देगा, हर चीज की कीमत होती, कोई मतलब नहीं। ये एक सिंगल पेज लीफलेट है, जो नॉर्मली मैं एग्जीबिशन में यूज करता हूँ, यहाँ पे MBE है, यहाँ पे MBP है, MPO है, और यहाँ पे एक BDA की अपॉर्चुनिटी है। आप सब लोग अगर चाहो तो इस प्रोजेक्ट को पैन इंडिया लेवल प्रमोट कर सकते हो। कंपनी ने ये पॉलिसी रखी है कि आप खुद बिजनेस करो भी और लोगों को कराओ, उसमें आपको कुछ बेनिफिट
इंसेंटिव और कुछ रॉयल्टी का प्रोविजन है, जिसको इंटरेस्ट होगा वो अपने सीनियर से इसके बारे में बात करेंगे, वो उनको पूरा गाइडेंस देंगे, ठीक है। जब हमको कोई तालुका नया लेना होता है तो कंपनी की एक सिस्टम है गूगल फॉर्म, वो गूगल फॉर्म उस एंटरप्रेनर के बिहाफ पे हम सीनियर भरते हैं, हम उसमें सारी डिटेल भरते हैं, आपकी आपका जो भी पेमेंट का टर्म्स है, आपकी जमीन, बाकी नाम, हमको अप्रूवल होता है। अप्रूवल आने के बाद अगर शेयर के लिए है तो मीरा शिवाजी गोलक मैडम के अकाउंट में पेमेंट जाता है, अगर डिपॉजिट बोल के रखना है तो MCL के अकाउंट में पेमेंट जाता है। मीरा मैडम के अकाउंट में क्यों जाता है? चीफ प्रमोटर इज मीरा मैडम, 90% शेयर किसके पास है? IPO में आने के बाद वो MCL के शेयर गिने जाएंगे, बट अगर IPO में भी हम मतलब स्टॉक मार्केट से हम किसी के शेयर लेते हैं, समझो रिलायंस के शेयर लिए, तो हम रिलायंस को पैसा नहीं देते, जिसके पास से शेयर लिए उसको देते। इसी तरह से ये शेयर मीरा मैडम के कोटे के साथ में बायबैक है, वो मीरा मैडम के पास आता है। ये एक तालुका MBE का फॉर्म है, ये MBP का फॉर्म है जो आपको अभी नहीं लगेगा, जब आप बुक करोगे तब लगेगा। शेयर एप्लीकेशन फॉर्म ये है, इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड की जरूरत, फोटोग्राफ और बाकी डिटेल लगती है। और ये MPO का फॉर्म है, तो MPO का फॉर्म, MBE का फॉर्म और शेयर फॉर्म, ये तीन चीज आपको अप्रूवल मिलने के बाद पेमेंट करके भरनी पड़ती है। साथ में अगर MPO का काम चालू करना तो एक अंडरटेकिंग देना पड़ता है, जो आप में से बहुत लोगों ने दिया है, बाकी अगर बाकी होगा तो फॉर्मेलिटी करना। जो मीरा मैडम अभी तक बायबैक MOU दे रहे, कल रात का मेरे पास ये अपडेट है कि ये बंद हो गया बायबैक, पर शेयर मिलेंगे, बट हो सकता है दो चार दिन ये विषय चले, ठीक है। उसके बाद ये MOU है इनिशियल, जब आप तालुका बुक करते हो पेमेंट देके, आपकी कंपनी नहीं बनी है अभी तक, तब आपका ये MOU साइन होता है MCL के साथ। इसमें यहाँ पर क्लियरली दिखा गया है, MBS will always have 10% profit in the factory, ठीक है। आप पेमेंट देते हो, आप दो चार पार्टनर भी हो सकते हो, बट किसी एक व्यक्ति के साथ ये MOU साइन होगा। इसके बाद आपकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, आपकी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर हो जाएगी, आप जमीन NA को पुटअप कर दोगे और कुछ क्वांटिटी में मेंबर बना दोगे, तब आपका ये MOU LLP एग्रीमेंट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये MOU हमारा इनिशियली साइन होता है, जो आप लोगों का बाकी है क्योंकि कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है। शेयर ट्रांसफर नॉर्मली डीमैट अकाउंट में 15 दिन में आते हैं, बट 6-8 महीने का बैकलॉग है, इसलिए 2-2.5 महीने पकड़ के चलने का, बट हम ट्राई करेंगे कि अपने लोगों को जल्दी से जल्दी डीमैट में ले आए, बट उसके लिए डीमैट अकाउंट सिंगल नाम का, इंडिविजुअल नेम का होना जरूरी है। आपने अगर समझो सर ने अपने अकाउंट से पैसे दिए हैं तो सर का इंडिविजुअल डीमैट अकाउंट होना चाहिए, बट समझो सर को अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम पे वो शेयर देने हैं, पैसे उन्होंने दिए, तब वो एक NOC देंगे कि ये शेयर के पैसे मैंने दिए, बट ये शेयर इस व्यक्ति को, तो उसका डीमैट अकाउंट का डिटेल लगेगा, हम उसको दे सकते हैं, बट ये पहले करना है जब कुछ फॉर्मेलिटी हो जाए उसके पहले। शेयर का पेमेंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ 15,000, कभी 10,05,000 का, कोई लोग 2-3 लोग मिलकर भरते हैं, तो जब आप भरो तब हमेशा वो शेयर ऐसा होना चाहिए कि 15,000 से डिवाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 15,000, 30,000, 45,000, 60,000, 75,000, 1,05,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 10,000, 3 लाख, 5 लाख, 10,000, इस तरह से। तो 15,000 के मल्टीप्लीकेशन में होगा, तो हमारे एक लॉट शेयर का 30 रुपये का एक, ऐसे 500 शेयर का लॉट है, तो 15,000 का एक लॉट होता है। अगर किसी ने 15 के बाद 16,000 रुपये दे दिए तो 1,000 के मैं शेयर उसको नहीं दे, मुझे और उसके बाद 14,000 डिपॉजिट कराने पड़े, तब मैं उसको दे सकता हूँ। तो ऑलवेज अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे बात कर सकते हो। आप ये रोड मैप है कैसे कैसे काम होगा, क्या काम होगा, पहला स्टेप क्या, दूसरा स्टेप क्या, तीसरा स्टेप क्या, चौथा स्टेप क्या, हालांकि मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको बता दिया, बट ये आपके पास एक मैन्यूअल रहेगा कैसे काम होगा। ये परसों ही आया है तालुका मार्केटिंग कंपनी। अब कंपनी ने ये मॉडल बनाया है कि आप जितना शेयर का पैसा आपका फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी कलेक्ट करेगा और जितना प्रोसेसिंग फी का करेगा, तो प्रोसेसिंग फी आपके FPO के अकाउंट में ही रहेगा, वो आपके ऑफिस का खर्चा, स्टाफ का सैलरी, FPO का, बाकी की चीज़ों को काम आएगा। बट शेयर का पैसा जितना MCL के पास जाएगा
उसका 35% MCL आपको एज ए डेवलपमेंट फंड देगी। बट इसमें कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, कोई इसको मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी या MLM कंपनी ना समझे, क्योंकि हमारा वो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए एक तालुका मार्केटिंग कंपनी बनेगी, वो आप प्रोपराइटर भी हो सकते हो, पार्टनर भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, आपकी मर्जी है। उस कंपनी में वो 35% डेवलपमेंट फंड दिया जाएगा, जो आप आगे बच्चों को यूज कर सकते हो, एनए के लिए आपके जो भी काम है उसके लिए आप कर सकते हो। आगे जाके जो रॉयल्टी आएगी कंपनी के पर टन ऑफ बायोमास 50 रुपया और पर टन ऑफ बायो सीएनजी 500 रुपया, ये थोड़ा प्लस माइनस आगे जाके डिपेंड अपॉन परिस्थिति हो सकता है, बट ये इस कंपनी को दिया जाएगा जो आप आगे टीम को बांटोगे, जो लोग आपके साथ काम करेंगे उनको जिंदगी भर आप कुछ ना कुछ दे सकते। इस प्रकार के प्रोविजन, जो एक्टिव होगा उसको ज्यादा मिलेगा, इनएक्टिव होगा तो भी उसको कुछ ना कुछ उसके घर में जाएगा। इसमें आगे जाके रिटायर एग्रीकल्चर ऑफिसर, रिटायर आईएएस ऑफिसर, रिटायर साइंटिस्ट, ये सब भी आपके साथ जुड़ेंगे। उसको आपको आपकी जेब से कुछ देना इसमें से जाएगा, MCL आपका 10% ऑलवेज सेव। ठीक, इसमें बहुत सी कैलकुलेशन दिए गए हैं, सारा कितने लोगों को जॉब मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये सब इसमें दिया गया है। बेसिक डॉक्यूमेंट जितने लगते उतने मैंने इसमें जोड़ दिए, जिससे कि आपको ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। यहाँ पे अच्छा, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ MPO मतलब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, और ये MVP का MOU जो विलेज प्रोजेक्ट होगा। अभी पेज बचाने के लिए मैंने प्लस माइनस सिंगल पे किया है, बट आगे जाके ये प्रॉपरली बनेगा, फ्रैंकलिन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको दे दी गई है, हमारा बिजनेस क्या होगा, तो अपने बिजनेस के हिसाब से वो एक हमने बनाया हुआ है, वो डाल के आपको कुछ एडिशनल डालना है तो आप डाल सकते हैं, तो वो भी हमारा रेडी है, वो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। यहाँ पे एक दिन में जितना आपको नॉलेज देना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा ही दिया है, थोड़ी बहुत समझी होगी, थोड़ा बहुत मेरी तरह ऊपर से गया होगा, दैट इज़ ओके। बट यहाँ पे मेरा पहला पार्ट का रोल ख़त्म होता है, अभी हम अगला ओपन सेशन करेंगे जहाँ पे आपके सवाल होंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है डाउट्स। पर उसके पहले हमारे जो मेरे ही जितने MCL से जुड़े हुए पुराने, मेरे ही जितने सीनियर, और गुजरात का जो पहला प्रोजेक्ट उनका डिक्लेयर हुआ है, मैं किशोर पंड्या सर को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 10 मिनट आपके साथ आपका उनका उनको क्या कहना है, आप उनके विचार आपको बताते हैं। वेलकम किशोर सर। वैसे तो कार्तिक सर ने सारा चीज बता दिया है, मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ में। जैसे कि अपना श्याम गोलभ सर जी के साथ जो रिव्यू मीटिंग होता है, उसमें गोलभ सर हर बार हमको एक ही बात बताते, विजन स्टोरी। विजन स्टोरी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो लिखने के लिए मतलब लिख नहीं सकते हम, यानी कि एक जगह पे बैठ के भी नहीं लिख सकते, हमको उसके लिए हमारे तहसील के हर एक विलेज में जाना पड़ेगा, और हर एक विलेज में जाकर के हर एक आदमी से पूछना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है, वो हमारा विजन स्टोरी होगा। तो हर विलेज में जाकर के, जहाँ समझो कि कहाँ पर नदी है, नदी है तो कितने टाइम तक वो बहती रहती है, 4 महीने में बहती है, 6 महीना बहती है, या पूरा साल भर, पहले तो साल साल भर बहा करती थी, अभी बारिश के टाइम में शुरू होती थी तो बारिश में मिल जाती थी, लेकिन अभी ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि बारिश के टाइम से शुरू होकर के बारिश में मिल जाए। तो ये क्यों नहीं बहती है, तो कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है, वो जानकारी हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको जैसे बताया गया है कि पहला प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है पानी का। हर एक तहसील में अगर पानी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो हमारे लिए बायोमास उगाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जितना पानी ज़्यादा रहेगा उतना बायोमास ज़्यादा मिलेगा। तो इसके लिए हमको पहले नदी को जिंदा करना है, यानी नदी को जिंदा करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स रहेंगे उस टाइम पे, वो बताया जाएगा कि कैसे कैसे किया जाएगा, लेकिन वो हमको जानकारी लेना पड़ेगा हर एक जगह पर जाकर। दूसरा चीज़ है कि वहाँ पर स्कूल का क्या हालत है, स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, तो उनका सॉल्यूशन करने के लिए हमको वहाँ के लोगों से, यानी लोकल लोगों से ये बात जानकारी लेना पड़ेगा कि भाई किसको क्या प्रॉब्लम है। तो एक ये विजन स्टोरी में भी आएगा कि भाई हमको स्कूल के लिए क्या करना चाहिए। दूसरा नॉर्मली हेल्थ के बारे में सोचेंगे तो हेल्थ के लिए लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या दिक्कतें होती है। मुझे मालूम है तब तक लगभग हर एक गाँव में कोई MBBS डॉक्टर नहीं होता है,
लगभग जो डॉक्टर होते हैं वो किसी न किसी से सीखे हुए, यानी कि आरएमपी डॉक्टर बोला जाता है, वही डॉक्टर ज़्यादा करके गांव में प्रैक्टिस करते हैं जिनको पूरी तरह का नॉलेज नहीं होता है, और उनकी वजह से शायद बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छे मरीज, मतलब जो अच्छे होने वाले होते हैं लेकिन उनकी दवाई से शायद डेथ भी हो सकती है उनकी, क्योंकि उनको उसका पूरा नॉलेज नहीं है। तो हमको ये जानकारी भी लेनी है कि वहाँ पर कौन सा डॉक्टर प्रैक्टिस करता है और कैसी दवाई देता है। बहुत जगह पे हेल्थ सेंटर भी है गवर्नमेंट के भी, लेकिन गवर्नमेंट के हेल्थ सेंटर भी सही तरह से नहीं चल रहे, तो हमको उसे भी सही तरह से चलाना है, और सही तरह से चलाना मतलब कि हम उसके पर वॉच रखेंगे तो वो लोग बराबर से काम करेंगे, लेकिन वो वॉच रखने के लिए मेरा ख्याल है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम हर एक जगह पे, यानी हमारे तहसील में ही एक ऐसा आदमी अपॉइंट करेगा कि एक आदमी हेल्थ के लिए पूरा तहसील में ध्यान रखेगा कि हर एक गांव का हेल्थ डिपार्टमेंट बराबर है कि नहीं, जो गवर्नमेंट से चलता है। हम एक आदमी ऐसा रखेंगे जो स्कूल का ध्यान रखेगा कि हर एक गांव में स्कूल का पोजीशन क्या है, क्योंकि पैसा तो हमको देना ही है और 20% हमको कंपनी दे रही है, उसके अलावा जैसे सर ने अभी बताया 50 रुपीज मिल रहे हैं हमको बायोमास के, 500 रुपीज और भी मिल रहे हैं हमको पर टन सीएनजी के, तो वो जो भी प्लस माइनस जो भी मिलेंगे लेकिन उसको हम मैनेज करेंगे, और मैनेज करके किसको कितना क्या क्या देना है वो हम तय कर सकते हैं, और कितना पैसा आएगा वो तो मतलब अनगिनत है, वो गिनने की जरूरत नहीं, और हम किसी को भी मतलब सफिशियंट पेमेंट दे सकते हैं, और उसके लिए हर एक डिपार्टमेंट के लिए हमको हर एक 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 लड़का रख के, यानी एक एक आदमी रख के उसके ऊपर ध्यान रखा जा सकता है। बहुत सारे जगह पर रोड्स बराबर नहीं होते, तो रोड का बहुत सारा मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलता है पैसा, लेकिन वो कहाँ जाता है क्या जाता है कोई काम नहीं करता, तो उसके ऊपर रह के काम करवाना, हमको किसी के खिलाफ नहीं खड़ा रहना है, लेकिन हमको साथ रह के उसको डेवलप करवा, क्योंकि हमारा काम ही डेवलप करना है। डेवलप करने के लिए सोचेगा अभी 20% बोला, जैसे सर ने बोला कि वो अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ बोला, 20% बोला तो वो 100 करोड़ तक भी जा सकता है, जबकि आपका रोज का सीएनजी का प्रोडक्शन 500 टन हो जाएगा। तो 100 करोड़ बोला तो जैसा नॉर्मली एक सिंगापुर है, तो सिंगापुर एक छोटा कंट्री है, तो वैसा एक छोटा कंट्री हो गया हमारा तहसील भी, तो एक छोटा कंट्री को डेवलप करने के लिए हम अपने तहसील को भी सिंगापुर बना सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ का हमको एकदम मैन्युअली ध्यान रखना पड़ेगा, मैन्युअली ध्यान रख के उसको डेवलप करेंगे तो हो जाएगा। दूसरा चीज़ जैसे मेंबरशिप के लिए बताया गया कि मेंबरशिप करने के लिए हमको 10,000 लोग कैसे मेंबर बनाए, तो बहुत सारे सखी मंडल होते हैं हमारे यहाँ गुजरात में, जैसे महाराष्ट्र में नॉर्मली बचतगढ़ होते हैं, वैसे अपने यहाँ पर सखी मंडल, तो सखी मंडल में लगभग 10,000, 15,000, 20,000 एक एक तहसील में महिलाएं उसकी मेंबर होती है, और उनसे जाकर के मिलोगे, उनको रोजगार भी मिलेगा, वो आपके कलेक्शन सेंटर्स भी लेंगे, और वहाँ पर मतलब आप उसको रोजगार भी दे सकते हो, और वही लोग अगर आपके मेंबर बन जाए तो 10-20 हज़ार मेंबर तो ऐसे ही बन जाएंगे, और वो 10-20 हज़ार महिलाएं बोले तो 10-20 हज़ार लोग ही है, 10-20 हज़ार खेडूती है, वो कोई अलग से महिलाएं नहीं है, उनकी ही खेती है, उनके हस्बैंड खेती करते हैं और वो लोग महिला सखी मंडल में जाकर के कुछ तो कुछ करते रहते हैं। तो ये 10,000-20,000 मेंबर बनाने का कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन आप खुद अकेले जाकर के वो सारा चीज़ नहीं कर सकते, इसलिए इनका सहाय लेकर के कर सकते हो, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। और हमारे पास में जैसे अभी हमने तहसील बुक कर दिया तो हमारा काम खत्म नहीं हो गया कि हमको तहसील मिल गया, अभी तो कोई दूसरा उधर आने वाला नहीं है, तो ये समझ के अगर हम बैठ जाते हैं तो हमारा काम होने वाला नहीं, हमको आगे का काम करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने जिसने भी MPO बुकिंग किया है, पैसा फिनिश हो गया मतलब भर गया है, हो सकता है बॉम्बे जाकर के जिसको जिसको भी अपना MOU बनाना है बनवा सकता है जाकर के, उसके बाद में आपका MPO का काम शुरू हो जाना चाहिए, जो कि 15 दिन में MPO रजिस्ट्रेशन होकर के आ जाना चाहिए। हमारे पास में जो सर ने बताया कि एप्लीकेशन रेडी हो गया है MPO का कलेक्शन के लिए, जैसे पहले कंपनी हमको देने वाला था कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर देने वाला था, जो कि सबके लिए थोड़ा इजी नहीं था, कंप्यूटर सबको खर्चा करना पड़ता था, कंप्यूटर लेना पड़ता था, तभी कंप्यूटर लेने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने मोबाइल में ही रिसीप्ट बना करके दे सकते हो, और जितने भी लोगों को आप रखोगे अपने मोबाइल में उसको रजिस्टर करके दोगे, पासवर्ड आईडी डाल के दोगे और वो कलेक्शन करके आपको दे सकते हैं, तो एकदम इजी वे बना दिया है सर ने, उसके ऊपर जाकर के आप मेंबरशिप बनाना चालू कर दोगे तो इजीली मुहूर्त बना सकते हो, और इसके लिए आपको एक जगह पर बैठ के ही काम करना जरूरी है, और आप सारे लोगों के ऊपर वॉच रख सकते हो, क्योंकि पूरा दिन भर का रिपोर्ट उसमें दिखेगा,
महीने का रिपोर्ट दिखेगा, 15 दिन का रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट देखना चाहते हो इंडिविजुअली, किसी के नाम से आपको रिपोर्ट देखना है वो देखने को मिलेगा कि भाई इस बंदे ने कितना किया, इस बंदे ने कितना किया, वो सारा कुछ उसमें देख सकते हैं। तो ये सारा फैसिलिटी है, तो आपको जल्दी से जल्दी पहले अपना MPO का काम स्टार्ट कर देना है, मेंबरशिप हो जाएगी, साथ साथ में पैरेलल आप जमीन भी ढूंढते रहो, अगर आपका खुद का जमीन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उसको NA का प्रोसीजर भी चालू कर दीजिए। तो मैं मानता हूँ कि अगले 50 जो सब डिक्लेयर करने वाले हैं, हो सकता है कि हमारा सारा गुजरात उसमें आ जाए अगले 50। बात समाप्त करता हूँ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच किशोर सर, अनुभव के चाहिए सर, मैं बोल रहा हूँ सर को याद था, ठीक है। तो बात यह है कि विजन, गोलक सर बहुत दिनों से लोगों को कह रहे हैं आपके तालुका का विजन लिखो, विजन लिखो, विजन लिखो। आज आप जो यहाँ पे आए हो ना, तो आपको जब ये इनविटेशन दिया गया तो सबसे पहले आपने मन में सोचा कि मैं यहाँ जाऊँगा, तब आप यहाँ पे आए। सेम वे अगर कोई भी चीज़ अपने जीवन में की है तो दो बार होती है, पहली बार हमारे मन में होती है और दूसरी बार प्रैक्टिकल होती है। तो ये विजन ये चीज़ है जो आपको बताएगा कि आपको आगे क्या करना है, अगर आप वो नहीं लिखोगे, नहीं प्लानिंग करोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको क्या करना है। और हम क्या कहते हैं, हम तहसील को एक राज्य कहते हैं, और उस राज्य का राजा वहाँ का MBE है, MCL बायोफ्यूल स्टार्टअप है, एंटरप्रेनर, उसकी प्रजा है वो, उसको उनको इस ना भले हमको राजा जैसा बिहेव नहीं करना है, बट हमको इस लेंगल से देखना कि ये मेरे परिवार के लोग हैं पूरे राज्य के, इनका मुझे भला करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फैक्टर, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, जल्दी जल्दी में अपने अवर में स्वागत तो कार्यक्रम दसी रही को એટલે પેલા તો બધાનું સ્વાગત કરું છું, અને વિશેષ કિશોરભાઈ પંડ્યા સાહેબ આપણે કે એડે બધાને એટલી જહેમત ઉઠાવી અને આ બધા લોકોને પહોંચાડવામાં એણે પણ પૂરો સપોર્ટ આપ્યો છે, તો એનો પણ હું આભાર માનું છું, અને વિશેષ ભોજાણી સાહેબ અને જે બોમ્બેથી બધા પધારેલા મહેમાનોનું સ્વાગત કરું છું। આ સિવાય ખાસ એક વસ્તુ કે હું પણ કમસે કમ 2 કે 3 વર્ષથી આ MCL પ્રોજેક્ટની અંદર કામ કરું છું, તો એક તો જે પંડ્યા સાહેબે આપને વાત કરી એ સિવાય વિશેષ કે ફેમિલી જેવું MCL અને MPO MBE અને પરિવારની જેમ જે વર્ક થાય છે એ પણ એક મહત્વની વાત છે। તો આની અંદર અત્યારે ગુજરાતની અંદર શરૂઆત કરીને ત્યારે પંડ્યા સાહેબ એક જ હતા ઈડરની અંદર, ત્યાર પછી 2 વર્ષ સુધી મેં પણ વિચાર કરેલો કરાય, રૂપિયા ખોવાઈ જશે, શું થશે, કેવી રીતના થાય, આ કરતા કરતા 3-4 વખત બોમ્બે જઈ અને પ્રોજેક્ટની મુલાકાત લઈ અને મેં પણ તાલાડાની અંદર શરૂઆત કરી, ત્યાર પછી ભગવાનભાઈ આવ્યા, ઝીણાત આવ્યા અને છેલ્લે લાસ્ટ કોરોના કાળ બાદ કમસે કમ 10 કે 12 પ્રોજેક્ટ લાસ્ટ આપણે મંથ ઉજવેલો ને આપણે બાયોફ્યુલ મંથ, તો એ જે પ્રગતિ લાસ્ટ એ મંથમાં થઈ છે એ કમસે કમ 12 પ્રોજેક્ટ મારી અંદર સૌરાષ્ટ્રની અંદર થયા છે। વિશેષ કે હજી કમસે કમ 18-20 તાલુકા બુકિંગમાં ચાલુ છે અત્યારે, એમાં ઘણા મહેમાનો કાલે આવે છે, તો આની અંદર એવા પણ છે કે 2 વર્ષ સુધી જેને રિસર્ચ કર્યું કે કરવું ના કરવું, શું કરવું, શું કામે કરવું, અને ઘણી પાર્ટી એવી છે, આપણે નરેન્દ્રભાઈ છે, એના ભાઈ છે ગિરીશભાઈ, બરોબર, એ બોમ્બે પણ આવી ગયા છે, હવે એ લોકોએ એને આપણે વાત કરી કે બોમ્બેની અંદર રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં આપણે પ્રોગ્રામ ના દિલ્હીની અંદર સોરી રાષ્ટ્રપતિ ભવનની વાત કરી સાહેબ એને, તો અમે બધા ત્યાંથી છૂટા પડી ગયા બોમ્બેની અંદરથી આવીને, ત્યાર પછી બધાને ફોન કર્યો, તો બધાને ફોન કર્યા પછી જ્યારે ગિરીશભાઈને ફોન કરવામાં આવ્યો ને તો એ દિલ્હી હતા રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં, સચિવાલયમાં, કે જ્યારે સરે ત્યાં વાત કરેલી કે દિલ્હીની અંદર પ્રોગ્રામ આ રીતનો અમે કર્યો છે,
એટલે રિચેસ કરવા ગયા કે આ લોકો ખોટું બોલે છે કે સાચું બોલે છે. એટલે જોયું ત્યાં જઈને એ લોકોએ ફોટા પાડ્યા મને મોકલા, જે આજ મારી પાસે છે મોબાઈલની અંદર. ત્યાર પછી કમસે કમ 6 મહિના સુધી એ લોકોએ પ્લાનિંગ કર્યું અને પછી નરેન્દ્રભાઈએ બુક કરાયું. ત્યારે પણ ગિરીશભાઈને પૂછવામાં આવ્યું કે તમને કેવું લાગ્યું MCL? પણ કીધું કે આ વાંધો નહીં, મેં રિચેસ કરેલું છે, હું દિલ્હી પણ જઈ આવ્યો છું, બોમ્બે પણ જઈ આવ્યો છું, તો અત્યારે હવે આપણે બુક કરાવવું હોય તો કરાવી દો. તો ત્યાર પછી કમસે કમ આ મંથની અંદર 10-12 પ્રોજેક્ટ થયા છે, 18 પ્રોજેક્ટ જેવા અત્યારે બુકિંગની અંદર છે. એની અંદર કાલની તારીખમાં રાજસ્થાનની અંદરથી પણ કમસે કમ 20-25 મહેમાન આવે છે. તો પ્રોગ્રેસ આ લેવલની છે. બીજા નંબરમાં કે પ્રશ્નોત્તરી, મનની અંદર જે કાંઈ હોય, અમે તો જે ભોજાણી સાહેબ છે, પછી પંડ્યા સાહેબ છે, આ સિવાય તમારી સામે પ્રશ્નોત્તરી કરી અને તમારા જવાબ આપતા હોઈએ. પણ આજ કાર્તિક સરની સામે તમારા જે કાંઈ પ્રશ્નો હોય, પછી એવું કે આપણે ઓલી મીટિંગમાં રહી ગયું હતું તો હાલો પછી વિચારશું, બોમ્બે જાઉં ત્યારે વાત કરી લેવું, એવું નહીં. જે કાંઈ હોય એટલા માટે જ આપણે આ પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે કે મનની અંદર જે ઘૂંટાતું હોય એને ચોખ્ખું કરો, તો આપણે ચોખ્ખા થઈને નક્કી કરી શકીએ કે કરવું કે ના કરવું. એક બીજી વાત છે કે સાહેબે પહેલાં કહી દીધું આપણે કાર્તિક સરે કે આપણે ઘણી વખત એવું થતું હોય કે અહીંથી પ્રોગ્રામમાંથી છૂટા પડી અને ગામમાં જઈને ચોરા બેસીને બીજા બે વ્યક્તિને પૂછતા હોય કે ભાઈ આ પ્રોગ્રામ કરાય કે ના કરાય. હવે મારી લાઈફમાં મારે એક 17 કરોડ રૂપિયાની ફેક્ટરી નાખવાની હતી ફર્ટિલાઇઝરની. અમે 4 પાર્ટનર હતા. એટલે મારા એક પાર્ટનર સ્વામિનારાયણ, હવે એને એવું થયું કે આપણે સ્વામીને પૂછી જોઈએ કે આ ફેક્ટરી કરવી તો અમારે કઈ રીતે કરવી એમ. એટલે અમે ભરૂચ મંદિરે ગયા અને સ્વામીને પૂછ્યું કે સ્વામી હવે અમે 17 કરોડ રૂપિયાની ફેક્ટરી નાખવા માંગીએ છીએ તો નખાય કે ના નખાય? એટલે સ્વામી કીધું કોણ કોણ પાર્ટનર છું? તો કે અમે આ 3 વ્યક્તિ છીએ. તો કે તો વાંધો નહીં, તમે તારે ફેક્ટરી નખાય એમાં કાંઈ વાંધો નહીં, પણ કોઈને પૂછતા નહીં. એટલે એક વિચાર આવ્યો, મારું ફેક્ટરી નખાઈને કોઈને પૂછવું નહીં એ શું? એટલે પાછો પ્રશ્ન કર્યો, સ્વામીને કેમ પૂછતા નહીં તમે એમ? એવું એવો શબ્દ કેમ વાપરો કે કોઈને પૂછતા નહીં? પૂછ્યા વિના તો કરાય નહીં, આપણે કોઈ દી કરેલું નથી જીવનમાં. તો સ્વામી એનો જવાબ આપ્યો હતો કે તમે જે વસ્તુ પૂછવા જાવ છો 17 કરોડ રૂપિયાની છે, મેં તો આટલા રૂપિયા જોયા નથી, હું તો સાધુ છું, પણ તમે જેને પૂછવા જાઓ છો એ કા ધીરુભાઈનો છોકરો હોય કે રતન ટાટાનો છોકરો હોય તો એને પૂછે, કારણ કે એટલે રૂપિયા હોય, પણ એને પૂછશો તો તમને એમ કે આ વાંધો નહીં કરાય. પણ એક સામાન્ય માણસને જે તમે કામ કરવા જાઓ છો એને જ્ઞાન નથી. તો એ વસ્તુ આપને નેગેટિવ કરે છે. વિશેષ અવનવો બીજો પ્રોગ્રામ આપણે સાસણની અંદર થઈ જાય એવી આશા રાખીએ. અને ત્યારે પણ સાહેબ અને ગોળપ સર પણ સાથે હોય. નમસ્તે, થેન્ક યુ વેરી મચ ભરતભાઈ. શું કહેવા માંગી કે આ તમે બિઝનેસ કરો છો અમારી સાથે MCL સાથે, તો MCL અભ્યાસ કરે છે, તમારે પણ અભ્યાસ કરવો જોવે. યુટ્યુબ છે, ગૂગલ છે, બુક્સ છે, થોડુંક પોતે પણ સ્ટડી કરો, સેલ્ફ સ્ટડી કરો, તો તમારો કોન્ફિડન્સ ઓવર ગેઇન થશે કે આપણે શું કરી રહ્યા. આજે હું આટલા કોન્ફિડન્સથી બોલું છું તો મારો અભ્યાસ છે, મને ખબર છે કે MCL શું કરી રહી છે, આઈ એમ ટોટલી ક્લિયર. અને એ પાવર જે હોય ને, એ પાવર જ્યાં સુધી ન આવે ત્યાં સુધી રિઝલ્ટ આવે નહીં. ઠીક છે, તો જેના પણ પ્રશ્નો હોય પૂછી શકે છે, અને ન હોય તો કોઈના બાકી હોય તો સાઇન કરી લઈએ આપણે. બોલો સર. એની પછી ફાર્મર અને એલાઇડ બિઝનેસ. હવે ખેડૂત ક્યાંક ને ક્યાંક, સોરી તો જો ફાર્મર હૈ વો તો બની સકતે હૈ, બટ ફાર્મર એન્ડ એલાઇડ બિઝનેસ, મતલબ દૂધ વ્યવસાય વાલે, મધુમક્ખી પાલન વાલે,
दूसरे रिलेटेड वाले, तो नॉन फार्मर है वो भी मेंबर बन सकते हैं, बट हमारा मॉडल है तहसील मॉडल। उस तालुका का FPO मतलब MPO उस तालुका के लोगों को कनेक्ट करेगा, दूसरे वाले को उसमें मेंबर बनाएगा नहीं। पहले 10 फॉर्मेशन के लिए डायरेक्टर जो प्रमोटर होंगे वो फार्मर होने चाहिए, वो आपके एक घर के होंगे तो भी चलेगा, हमको कोई सब्सिडी लेने नहीं जाना, कोई गवर्नमेंट से लोन लेने नहीं जाना। उसमें से 5 मिनिमम डायरेक्टर चाहिए और 10 डायरेक्टर, टोटल 15 डायरेक्टर आप जा सकते हो, जो आपको फील्ड में काम करते टाइम अच्छे लोग मिले उनको आप ऐड कर सकते हो। समझो कि दूध उत्पादक करता है तो उसका कुछ सर्टी वगैरह चाहिए, खेडू तेल तो उसका पुत्र है। जब फॉर्मेशन करने के लिए आप लोगे ना तो वो प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट लगता है जो आइदर तहसीलदार देता है या कृषि अधिकारी देता है, उसके बाद जिनको हम जोड़ेंगे उसमें से मार्क करना है, उसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है। मैं इतना अच्छा बताया कि किसी को सवाल नहीं है, कि इतना बुरा बताया कि किसी को समझा नहीं है। सर एक दिक्कत होती है जो डॉक्यूमेंटेशन होता है डायरेक्टर के लिए हो या मेंबर बनाने के लिए हो, तो उसमें ये जो मुस्लिम लोग में सिया लोग जो है ना वो आधार कार्ड नहीं देते हैं कहीं, इवन बैंक में भी नहीं देते, तो उसके बिना चल सकेगा? आधार कार्ड के बिना इसलिए नहीं चलेगा, ऑप्शन है कि कल को उनको अपने को इनकम देनी है, दूसरा कल को उनको शेयर भी देने हैं फैक्ट्री के, तो ये मैं उसके बिगैर दे ही नहीं सकता। क्योंकि मेरा जो तहसील है ना उसमें काफी मुस्लिम लोग है, मुमन लोग। ये पॉइंट मैं मैनेजमेंट के साथ रेस करूंगा, थोड़ा नया पॉइंट है ये, पहली बार आया है। तो ये मुझे और इसका मैं पूछ के बताऊंगा कि आधार कार्ड के सिवा और बाकी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं क्या वो आधार के बिना, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटिंग कार्ड है, पैन कार्ड, वो सब दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये पॉइंट रेस करके आपको भरत भाई को बता दूंगा। सिर्फ आधार कार्ड नहीं देते, सिर्फ आधार कार्ड वो डरते हैं कि लोग मिसयूज करेंगे, उसमें आग भी लेते हैं, फिंगर्स भी लेते हैं, ये सब है। अभी देखो कैसा है, आधार कार्ड पैन कार्ड अभी कुछ दिनों में लिंक होने वाला है पूरा, वो देख ही नहीं दे उनको लिंक करना है। मैं तो बोलता हूँ मत डरो यार, दुनिया पूरी डरने जैसा इसमें कुछ है नहीं, बट ठीक है। डर की वजह से नहीं दे रहे हैं, आपने बोला दैट फिनिश, वो डर के गुरु जी बोलते हैं तो नहीं देते हैं बस। देखो एज ऑफ नाउ कंपलसरी है कंपनी के रूल से, बट मैं कंपनी से बात करके देखूंगा कि आधार के सिवा कोई सेकंड ऑप्शन आप अलाउ करते हैं yes. तो वो देखेंगे। दूसरी बात, अभी जैसे मेरा हिम्मतनगर है और बॉर्डर है इनका, इधर है तो या तो वो छोड़ दे, लेकिन दूसरा डिस्ट्रिक्ट चेंज होता है या दूसरा कोई फार्मर यहाँ तो नहीं बन सकता ना मेंबर? देखो FPO कोई भी बना सकता है, मगर MCL के साथ जो FPO होगा वो सिर्फ तालुका पे ही काम करेगा। अगर आपने जनरल को FPO बनाया तो पूरे इंडिया में मेंबर बना सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं, 10 तो कहीं के भी बनाओ फॉर्मेशन के लिए, वो प्रॉब्लम नहीं। मैं जनरल FPO की बात कर रहा हूँ, जनरल FPO का ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो उसके तालुके में ही काम करेगा, वो कहीं भी मेंबर बना। बट MCL के साथ एसोसिएट होकर जब FPO बनेगा वो उसी तालुका के लोगों को मेंबर बनाएगा, दूसरे को नहीं बनाएगा। बनाएगा तो भी आपके नीचे बनाएगा, अपने नीचे नहीं बनाएगा। अभी तीसरा प्रॉब्लम ये है कि इसका क्लियरेंस पूरा करो कि जो 10-15-20 एकड़ जमीन हमको लेनी है तो वो रेंट पे लेनी है, और वो जो अपना मेन सिटी है उसके आसपास है कि देखो थोड़ा आगे पीछे हो, टेक्निकली जो जमीन है और उसकी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा? वो जमीन उस तहसील में चाहिए, हमको लोकेशन से, सिटी से, मेन रोड से कोई मतलब नहीं, बट फैक्ट्री परमिशन मिलने के लिए कुछ चीजें बेसिक होती है, जैसे उसका एक्सेस रोड, अगर उसको रोड नहीं है प्रॉपर बड़ा तो फैक्ट्री के परमिशन नहीं मिलेगी। उसकी जमीन का अगर हाई टेंशन तार जा रहा है या नदी बाजू में है तो प्रॉब्लम हो सकता है। जोन होता है एप्लीकेबल, कुछ जोन में परमिशन मिलती है, कुछ जोन में नहीं मिलती। ये लोकल बायलॉस होते हैं, ये आपको लोकल कलेक्टर ऑफिस या टाउन प्लानिंग ऑफिस या कंसर्न डिपार्टमेंट से आपको चेक करना पड़ेगा, बट कंपनी को लोकेशन से कोई मतलब उस तहसील में होनी चाहिए कहीं भी चले। रेंट की बात है, रेंट का ऐसा है कि जितने 1 अगस्त के पहले के प्रोजेक्ट बुक हुए थे उनको पर एकड़ पर ईयर 50,000 रुपए तक का रेंट, मतलब 10 एकड़ को 5,00,000 रुपए का रेंट कंपनी देगी, अगर लीज एग्रीमेंट है तो, खुद की जमीन है तो नहीं, आपकी कंपनी को दिया जाएगा, आप उस जमीन वाले को दोगे। अब कल सुबह जब मैं यहाँ के लिए निकला उसके पहले आधे घंटे मेरी गोलभ सर के साथ कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें मैंने सर को रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि बहुत लोगों का हमारा ओपिनियन था कि आप सबको ये रेंट कंटिन्यू करो क्योंकि वह एक्सपेंसिस में जाने वाला है, तो मोस्टली वो
होगा, बट मुझे दो से तीन टीम का टाइम चाहिए वो फाइनल क्लियरेंस आने के लिए। जब आ जाएगा तब मैं आपको 100% बताऊंगा। तो सबको रेंट मिलेगा अप टू 50,000 रुपीज पर एकर पर ईयर, या फिर अपने प्रॉफिट में से अभी अभी जो हम लोगों को बोल रहे हैं अपना 1 करोड़ रुपया आ रहा है उसमें से 5 लाख भाड़े में आप किसी के साथ एडजस्ट करो, 10 लाख में करो, 15 लाख में करो, वो आपका खर्चा है। बट ये ऑप्शन 99% ओपन होगा ऐसा मुझे लग रहा है। दो से तीन दिन में इसका सर्कुलर आ जाएगा ऑफिस से, सर्कुलर आते मैं बता दूंगा। बोलो सर। वो मैं बताऊंगा हम लोग उस पर। देखो एक गोलभ सर की ना खासियत है, जब हम कोई अच्छी चीज उनके पास रखते हैं ना तो वो सुनते भी और एक्सेप्ट भी करते हैं, क्योंकि उनका एंगल ये नहीं ना कि मैं पैसा बचाऊं, उनका एंगल तो देना है तो देने दो ना भाई, भाड़े वाले को भी जाएगा। बट उसमें कभी कभी क्या होता है टेक्निकल ये आता है, लोग कभी कभी क्या होता है कि जमीन है ही नहीं, अब हमको लगानी है फैक्ट्री, वो एक साल जमीन ढूंढेगा तो फैक्ट्री कैसे लगाएगा। सही बात है, ये प्रॉब्लम आता है। इसलिए जमीन पे सर ने ऐसा किया कि जमीन है उसी को लो भाई, तो बीच में ऐसा हुआ था। बट हमने सर को रिक्वेस्ट की है, अभी तक सर्कुलर आया नहीं है, सर्कुलर आने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि रेंट मिलेगा नए वालों को कि नहीं मिलेगा, पुराने वाले को मिलेगा अप टू 50,000। जमीन वाले से भाड़ा करार हमने कर हमारे नाम के करने, आपकी जो कंपनी बनेगी तालुका की वो कंपनी और जमीन वाले के बीच में करार होगा, और आपकी कंपनी वो तालुका फैक्ट्री में पार्टनर है तो आपका 10% प्लस भाड़ा वो आपको दे दिया जाएगा जो आपको उसको देना है। बट भाड़ा प्रोजेक्ट चालू होने के बाद में, और प्रोजेक्ट चालू होने का समय टेक्निकली 24 महीना बोल के चलने। नहीं सर, एक क्लियरेंस करो ना सर, देखो लीगली हमें जमीन वाले को कैसे क्या बोलना चाहिए जमीन लेने के लिए। देखो सबसे पहला है तो लेना और देना ये दो जन का अंडरस्टैंडिंग का व्यवहार है, बट अभी डिपेंड है कि वो जमीन क्या है, कैसी है, क्या कीमत है उसकी। बहुत से लोग बोलेंगे हम भाड़े पे नहीं देना चाहते, बहुत से लोग बोलेंगे हम देना चाहते। टच वाली जो होगी प्राइम लोकेशन पे वो है, कोई भी नहीं वो भी मिलती है, भाड़ा बढ़ जाता है। राइट, भाड़ा बढ़ जाता है, मिलने को पेट्रोल पंप के लिए वो भी मिलती है। प्रोजेक्ट बनाना है उसको तो नहीं चाहिए, अपने को मेन रोड पे नहीं जाना है, अपने को बड़ी जमीन चाहिए तो हम अंदर जाएंगे, बट उसको एक्सेस होना चाहिए बड़ा। अब आपको उसको बताना है कि भाई तू आज इस जमीन से कितना कमाता है, समझो वो 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 30,000 रुपया, 40,000 रुपया कमा रहा है, तो वो बैठ के 50,000 रुपया उसको हर साल, जिसके लिए उसको कुछ करना, हर 3 साल 5 साल में 3% 5% एग्रीमेंट की भी हम बात कर सकते हैं। अभी इसके बाद सब जो कुछ नहीं हुआ वो बोलते हैं 50,000 नहीं मेरे को 80,000 और आपको लगता है कि जमीन अच्छी है मुझे देना है, तो आप सर 1 करोड़ रुपया सालाना कमा रहे हैं, उसमें से 360,000 आपने सालाना दे भी दिया तो कोई नुकसान नहीं है। ऑप्शन ऐसे भी है कि आपको बड़ी जमीन मिलती है 20-25 एकड़ छोटी नहीं, और वो नियम में बैठती है तो आप 1% की पार्टनरशिप भी उसको दे सकते हो। 1% पार्टनरशिप का मतलब है सालाना 10 लाख से लेके 1 करोड़। कौन सी 25 एकड़ जमीन 1 करोड़ रुपया देती है सर, 10 लाख रुपया दे रही है, तो ये भी एक ऑप्शन है। बट मैं नहीं प्रीफर करूंगा आप किसी को पार्टनरशिप दो, क्यों, कल को इक्विटी भी उसको जाएगी, वो 5 करोड़ शेयर का 10% उसके पास जाएगा ना, तो 50 लाख शेयर और 50 लाख शेयर 100 रुपये के भाव से हुए तो 50 करोड़ रुपया उसके पास जाएगा, तो टेक्निकली भाड़े पर ही टाइप करो। कुछ अपने प्रॉफिट में से छोड़ने की भी तैयारी, जेब से नुकसानी में तो देना नहीं है, देना तो प्रॉफिट में से देने का, क्या प्रॉब्लम है। सर एक प्रश्न है, वो तो कि भाड़ो कोई फिक्स करे छे अत्यारे बरोबर, क्या जमीन तुमने આપવાની છે તો હાલ પૂરતું જ્યાં સુધી આપણે મૂળ એગ્રીમેન્ટ પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી ઈ પાર્ટી પાસે કેવું લખાણ જોઈએ ખરેખર। देखो टेक्निकली क्या है मालूम है, एग्रीमेंट तो रजिस्टर्ड ही लगेगा आगे जाके, बट रजिस्टर के पहले आप करने के बाद हो सकता है उस जमीन का परमिशन मिले, हो सकता है ना मिले, तो आप रजिस्ट्रेशन का खर्चा आपका नुकसान में जाएगा, तो आप या तो पहले चेक कर दो कि इस पर परमिशन मिलेगी कि नहीं, या फिर आप एक MOU बनाओ उसके साथ और एक नोटराइज एग्रीमेंट बनाओ, इससे क्या हो जाएगा बन जाएगा, और जैसे ही वो परमिशन आ जाए उसके बाद आप उसको रजिस्टर एग्रीमेंट में कन्वर्ट कर दो। तो ये बारे में कंपनी को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम ये नुकसान नहीं चाहते इसलिए हम ये कर रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। दूसरा, बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे कि आप 2 साल का टाइम बोल रहे हो तो 2 साल तक मुझे कौन भाड़ा देगा, तो बात यह है कि मैं उसको ये पूछ, मेरा एक ऐसा हो गया था कर्जत में, एक आदमी बोला सर 2 साल बाद आप भाड़ा दोगे, तो मैंने बोला आज तू इस जमीन पे क्या कमाता है, कर्जत जो मेरा श्याम सर का जो प्रोजेक्ट लग रहा है तालुका, वहाँ पे बारिश में सिर्फ चावल की खेती होती है, 20,000 खेती करते हैं खर्चा तो 12-13,000 का चावल मिलता है, सिर्फ अपने घर का चावल है इतना ही होता है बस, बाकी माइनस में होता है।
तो मैंने बोला आज तो क्या कमाता है, तो बोला ऐसा ऐसा है। मैं बोला आज से 10 साल पहले क्या कमाता था, बोला ऐसा है। बोला तू बच्चा था तब ये जमीन में क्या किया था, बोला ऐसे ही था। और बोला तेरे पिताजी बच्चे थे तब क्या किया था, बोला ऐसे ही था। बोला तू 2 साल रुकने में तकलीफ है, लेकिन सर 2 साल रुकोगे तो 30 साल मिलेगा अभी ना। ये आपका अनुभव है, मेरा अनुभव है चाहिए उतनी जमीन मिलती है। आप क्या करो, आपका MPO बनाओ, उसकी ऑफिस डालो, आप उसका काम चालू करो। MPO में आते हैं किसान और उनकी होती है जमीन। आप उनको बोलो हम ऐसी जमीन देख रहे हैं, हमारे पास 10 ऑप्शन है, अभी सिलेक्ट नहीं किया है आपको, और 100 जमीन नहीं आती है तो मुझे बताओ। सिस्टम है काम करने, सिस्टम से करोगे तो सब होगा। एक वस्तु है, मारी खुद की जमीन नहीं, मैं जे प्लान करो ने त्या तालाड़ा ने अंदर हिंदी में बताओ। मेरे पास जमीन नहीं थी इसलिए मैं प्लान नहीं कर रहा था। तो सर ने शासन में मीटिंग की और उसने मुझे वादा किया कि अगर तुझे करना है तो जमीन मैं ढूंढ देता हूँ तालाड़ा में। और वो मीटिंग के बाद तुरंत एक पार्टी ने हमें जमीन दे दी और वही जमीन पर हम वहां प्लान कर रहे हैं अभी। तो तालाड़ा में सर आ रहे बॉम्बे से, मैं यहाँ का हूँ जूनागढ़ का, और तालाड़ा में जमीन ढूंढने के लिए मुझे साहब को बॉम्बे से बुलाना पड़ा। देखो बात कैसी है, आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है क्योंकि तालुका के बॉस आप हो। कल को आप उसको बोल सकते हो भाई तेरे को गैस का CNG पंप का एजेंसी चाहिए तो प्रायोरिटी तुझे दूंगा, भले नॉर्म्स रहेंगे जो करना, बट 10 जन हो गए ना कल को, एक थोड़ी होगा मांगने वाला, तो पहला किसको दूंगा, तो आ जाए मेरे साथ, जो आएगा ना वो करोड़पति बनेगा लिख के रखना। तो आप चिंता मत करो, यू आर नॉट टेकर, यू आर गिवर। आप दे रहे हो किसी को, आप किसी से कुछ ले नहीं रहे हो, तो देने वाले के हाथ ऐसे होते हैं, आपको ऐसे रहना है। आप गलत दिखा के धंधा करोगे, सर मेरे को जमीन दे दो, नहीं मिलेगी ना 6 महीना मत मिलने, तो क्या आग लग जाएगी, 1 साल बाद प्रोजेक्ट लगेगा, और क्या होने वाला, प्रोजेक्ट तो लगना ही है। मैं तो मेरे प्रोजेक्ट की चिंता ही नहीं करता, मैं पालघर डिस्ट्रिक्ट दानू तालुका जाता ही नहीं, टाइम ही नहीं मिलता है। आप लोगों के पीछे लगना है तो, और आप तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अरे 10 प्रोजेक्ट चालू हो गए होंगे तो 10 आदमी मेरे पास सामने से आएंगे, और मुझे तो वहां से 700 एकड़ की ऑफर आई है, मेरे को टाइम ही नहीं है जाने। तो इट डिपेंड्स, अगर आप सिस्टमेटिक काम चालू करोगे तो हो सकता है किसी को जल्दी मिले, किसी को बाद में मिले, बट मिलेगी ये कन्फर्म है। और नहीं मिली तो 1% पार्टनरशिप दे देना यार, खुशी खुशी मिलेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा किसी को आसानी, अभी कभी कभी अपनी डेस्टिनी काम करती, कभी आसानी से मिल जाते, कभी वही चीज मेहनत करके मिलती। नहीं मिलेगी तो हम लोग आके बैठ जाएंगे वहाँ पे, चिंता मत करेंगे, ढूंढ लेंगे। अभी तो ऐसा हो रहा है महाराष्ट्र में, इंटरलिंकिंग हो गया है, ये तालुका वाले की जमीन वो तालुका में, अरे वो तालुका किसने लिया, मेरी जमीन है भाई, उसको बोल मेरे साथ टाइप बना, क्योंकि 225 प्रोजेक्ट हम टाइप कर चुके हैं महाराष्ट्र में। तो अभी सब तालुके, पूरी डिस्ट्रिक्ट, अभी किसी की कहीं जमीन है हमारे पास, सर मेरी जमीन है यहाँ पे, कोई है तो बोलना कौन है वहां। कुछ दिनों में यही चीज गुजरात में भी, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद अगर कोई स्टेट पिकअप ले रहा है तो गुजरात ले, और मेरा पूरा इच्छा है कि गुजरात जल्दी से जल्दी इसमें आगे। पॉलिसी फेवरेबल है, लोग बिजनेस माइंडेड है, अच्छी तरह से हम काम कर सकते हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट यहाँ पे पहले हुई है सक्सेसफुली, अमूल डेयरी है, मेहसाणा डेयरी है, ये सक्सेसफुल है। देखो फेलियर के एग्जाम्पल है तो सक्सेस के भी एग्जाम्पल है ना। अब ये तो डिपेंड है, मैंने थोड़ी भविष्य देखा है, कल को मुंबई पे अनुपम गिर गया हम सब ऊपर चले गए, चाइना के साथ लड़ाई में तो क्या करेंगे। बट नियत, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, नियत, करने वालों की नियत क्या है, तो नियत सबकी अच्छी है, अच्छे लोग, तो आप चिंता ही मत कीजिए। सो साहब चाय पानी नो काई थैंक यू आवे छ पांच मंगाओ ये आवे छ नहीं आवे बोलो ने सर अबे तुम्हारे सवाल पूछवा दो तथी तुम्हें बहुत पूछ लीता जी જરૂર નથી તો તમે 5 એકર માં એને કરો લિટરન શીટ પર જ્યારે તમે પ્લાન એક્સપાન્ડ કરો તો 5 એકર નો પછી લેજો એક કેસ માં સર રેન્ટ ધેટ કેન બી દેખો ક્યાં હોતા હૈ કંપની કે પાસ જો આપ જમીન નહીં કર રહે હો ઉસકા કંપની આપકો રેન્ટ નહીં દેગી। तो ये पहला प्रॉब्लम टेक्निकल है। दूसरा प्रॉब्लम ऐसा है कि 5 एकड़ आप एनए करोगे 5 एकड़ नहीं करोगे तो उसमें 2 रिस्क है।
पहला कि आपका प्लानिंग प्रॉपर नहीं होगा। अगर घर मुझे बनाना है और मैं एक्स्ट्रा बेडरूम बाद में पीछे से निकालूंगा तो गाबड़ा होता है, मतलब जॉइंट वाला हो गया, तो देट विल बी नॉट अ प्रॉपर प्लानिंग। दूसरा, 10 एकड़ का प्लानिंग आप शुरू में करके चलोगे तो अच्छा होगा, वो प्रॉपर सेटअप होगा। बट समझो आप उसके साथ लीज एग्रीमेंट कर लेते हो 10 एकड़ का, तो आप 5 एकड़ कराओगे, 5 एकड़ आपको गारंटेड मिलनी है तो चलेगा। बट कल को 5 साल बाद 2 साल बाद हो सकता है रूल्स चेंज हो और वो 5 एकड़ पे ऐसा कुछ रूल आ जाए कि आपको परमिशन ना मिले, जिसे कहते हैं जोन चेंज होना, तब क्या करेंगे हम? ये मैं जनरल बोल रहा हूँ, बाकी केस टू केस हम कंपनी से बात कर सकते हैं। बट फिर अगर आपने 5 एकड़ ही दिए और 5 एकड़ हम इन्हें नहीं कर रहे तो कंपनी को तो 5 एकड़ ही मिल रही है ना प्रोजेक्ट के लिए, तो कंपनी 5 एकड़ का ही भाड़ा देगी और उसमें टाइम और पैसा का भी। तो सिंपल सा बताता हूँ सर कि हमको 100 टन पे जाना ही और 100 टन के लिए मिनिमम 10-15 एकड़ जमीन चाहिए, 10 एकड़ का भाड़ा कंपनी देने को जूने को तो तैयार ही है, तो फिर हम कम क्यों? थोड़ा सा हमको शुरू में एक्सपेंसिस होगा वो एनए वगैरह का, बट दैट इज वन टाइम, वो हर बार होने वाला काम हो जाए। मेरे जैसा मुझे मिल गया है कोई तो वो ऐसे करके दे रहा है। अभी देखो सर को जमीन नहीं मिल रही थी, 30 एकड़ लैंड, 50,000 प्लस 10,000 एक्स्ट्रा मांग रहा है, 10,000 मैं अपनी जेब से दे दूंगा ठीक है, लेकिन मुझे तो 60,000 में एने करके मिल रहा है ना। अच्छा 15 वर्ष का लैंड रिकॉर्ड तो आपने करवाना है, मिनिमम जो लीज एग्रीमेंट अपना जो ब्रेक इवन पॉइंट है फैक्ट्री का, हां वो 13 से 14 साल का है, तो आपको मिनिमम 13 प्लस 2 2 साल हम लोग चाहते 15 साल के ऊपर, जितना आप लंबा करोगे उतना आपके लिए फायदे का। 15 साल हो गए अभी वो बोल रहा है कि चलो मेरी लैंड वापिस दे दो, वापिस दे दो, फैक्ट्री शिफ्ट कर देंगे। हाँ तो शिफ्ट कर देंगे तो उसका जो हमने जो एने किया है वो एने का दो ऑप्शन हो सकता है, अभी के नियम के हिसाब से एने रिवर्स हो सकता है, तब के रूल क्या होंगे मुझे मालूम नहीं है। खर्चा तो नहीं होगा ना, खर्चा तो इतना ही। अरे सर आप 50 करोड़ कमा के बैठे हो, आप 1 करोड़ खर्चा करने को क्यों डर रहे हो? 15 साल के बाद में आपके पास 100 करोड़ होगा, 50 अब इसमें से क्या? चलो ऐसा कुछ नहीं हुआ, चलो कंपनी शुरू हो गई है, सब कुछ रेडी हो गया है, 5 साल के बाद कुछ ऐसा कुछ हो कंपनी बंद हो गई तो उसकी जमीन उसको वापस, हमारा नुकसान है, उसका नुकसान नहीं है, उसका नुकसान नहीं हमारा नुकसान है, पर वो लैंड कैसे खाली करेंगे? लैंड तो हमारे एग्रीमेंट में ही लिखा होगा अपने कि अगर हम इतने महीने कंटिन्यूस भाड़ा जाने को फेल जाते हैं तो हमको भगा सकते हो। भगा सकता नहीं, वो खाली कैसे करेंगे, वो तो एग्रीमेंट में पड़ा हुआ है। दो बातें इसमें, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया, कोई प्रोजेक्ट पे फाइनेंस कब देता है या कोई प्रोजेक्ट फेल कब होता है, रॉ मटेरियल ना हो, टेक्नोलॉजी ना हो या प्रोडक्ट बिकता ना हो, यही केस होते हैं जब फैक्ट्री बंद होती है, तो ये तो अपने साथ होना ही नहीं। फिर भी एक्सट्रीम केस ऐसा कुछ हो गया तो उसको बोलने का ये रिस्क है भाई, जितना माल रहेगा वो तेरा ऊपर बेचना और कमा लेना, वेरी सिंपल, और क्या कर सकते। देखो ऐसा दुनिया में कोई बिजनेस नहीं होता है कि 100% रिस्क फ्री हो। जैसे मैं मुझे कोई पूछता है कि एमसीएल में रिस्क कितना है, तो मैंने आपको बताया कि हम सब अपना काम सिस्टमेटिक करते हैं तो कोई रिस्क नहीं है, बट रिस्क है। दो प्रकार के रिस्क होते हैं, एक जो हमें दिखता है और एक जो हमें नहीं दिखता है। कोरोना किसी को दिखा था आएगा करके, कितने उड़ गए, तो ये अनसीन रिस्क हो गया, इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। सीन रिस्क अगर मुझे बोलेगा कि क्या रिस्क हो सकता है, तो कोरोना आया तो 6 महीना प्रोजेक्ट डिले हो सकता, क्योंकि वो भाड़े वाला है ना, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम। सर आपको ऐसे लोग मिलेंगे ना जैसे सर को मिले, बोलेंगे सब चलेगा तू कर, नहीं ऐसा ही लोग मिल रहे हैं कि सब मिलेंगे कर रहा हूँ चलो कहाँ पे करने का बोलो मैं आपके साथ करना, पर एक रिस्क ऐसा है वो ठीक है वो हो जाएगा उसका सॉल्यूशन, थोड़ा सिस्टमेटिकली समझाओगे तो उसका भी सॉल्यूशन। अभी हम इतना पैसा नहीं कमा रहे, मेरे को दे देगा वो, मेरे से डील करने वाला है, एमबीओ कंपनी मेरी है, वो तो उसको मालूम हम कंपनी का कुछ देने वाले है नहीं उसको, तो वो तुरंत हमसे नहीं करेगा। आप बोलते हो ऐसा नहीं, लीज एग्रीमेंट नहीं करेगा सर को, लीज एग्रीमेंट छोड़ो एने करके दे रहा है। सर की बात सही है, तो सर एक बात ध्यान रखो, आदमी सब जगह पे एक जैसे ही होते, गुजरात हो महाराष्ट्र हो अमेरिका हो जापान हो, आदमी एक जैसे ही होते, बात कैसे रखते हो वो नहीं करता उसे छोड़ दो, दूसरा मिल जाएगा भाई, नहीं जम रहा है ऐसा होता है सर, एक सिस्टम है वो सिस्टम में जितना बैठेगा बैठेगा, जो नहीं बैठेगा वो जबरदस्ती नहीं बिठा सकते। मेरा यहाँ पे आपको करेक्ट जवाब देना काम है, झूठा जवाब देना नहीं,
तो मैं आपको कोई यहाँ पे सपने मेहनत है तो है, चाहे आप करो चाहे आपके बिहाफ पे कोई करे वो अलग बात है, बट मेहनत है, रिस्क है, कोई नहीं है, आपका पैसा नहीं डूबेगा ना किसी का पैसा डूबेगा। रिस्क क्या है, 6 महीना 8 महीना प्रोजेक्ट आगे पीछे, कोरोना आ गया तो क्या करेंगे, 6 महीना सब बंद हो गए, तो ये हो सकता है, बट बाकी कोई गड़बड़ नहीं है। मेरे को आदमी बोला 1.5 लाख रुपए भाड़ा, मेरे पास और वो भी 1 साल का एडवांस। अभी आपने बोला ना, मेरे पास ऐसे लोग आए हैं, अभी आ रहे हैं जो बड़े फाइनेंसर है, उनको 30-40 साल से जमीन लेके रखते है, वो बोलते आप ऐसी ऐसा प्रोजेक्ट बताओ, हम जमीन लेंगे, हम रखेंगे, आपको भाड़े पे दे देंगे, 30 साल बाद हम बेचेंगे। उसको मालूम है उसका 50 गुना कीमत होने वाला है, 100 गुना कीमत होने वाला, ढूंढोगे तो मिलेगा उसका। किसी पैसे वाले को ढूंढो, बोल भाई मैं ऐसा फैक्ट्री लगा रहा हूँ, जमीन लेके रख, 30 साल बाद तुम्हें डालना। मुझे ऐसा ही मिला है, 2 लोग जमीन आप ढूंढो, खरीद के मैं देता हूँ, फिर ले। बिल्कुल मिलेंगे ऐसे लोग, ये तरीके है। और ये तरीके जो आप जो सवाल पूछ रहे हो ना, इसका मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों जवाब दे रहा हूँ, ये लोगों को सवाल आए भाई, उन्होंने उसका सॉल्यूशन किया है, वो जवाब मैं आपको। आपके पहले एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, वो जो फेस पार करेगी वही आपके पास। अभी सरदे जैसे वो सवाल पूछा, वो थोड़ा सा मेरे लिए एक नया था कि आधार कार्ड इस कारण से लोग नहीं दे रहे, तो कारण सही नहीं है तो शायद कंपनी ना भी माने, कंपनी बोलेगी रे तो आज नहीं तो कल आएंगे, बट वो कंपनी को हम रखेंगे कि सर इसका कुछ ऑप्शन दे सकते हो तो दो, बट क्योंकि हमको कल को शेयर देने, फिर बोलेंगे हम ये नहीं देंगे तो कैसे शेयर देंगे, कैसे उनको हम पैसा देंगे, हर चीज़ मायने रखती है ना, कल को डिविडेंड देना है उनका, वो लोग में भी नहीं देते। ठीक है सर, वो तो उसको छोड़, धीरे धीरे सब में चेंजेस आएंगे, जो लगाते है एक बीघा, बीघा चलता है, हम एकड़ पे बात करते हैं, तो एकड़ पे सबसे पहले तो नेपियर ग्रास लगाते टाइम क्या करना है, तो खेत जोतना है, टिक लगानी है, एक बार पानी देना है, पहली बार दबा के पानी दिया, फिर हफ्ते पहले देते हैं, बाद में 15-15 दिन में पानी लगता है, गर्मी में 7 दिन पे लगता है, ठंडी में कम पे लगता है। अब ये नेपियर ग्रास उगाने के लिए कोई फर्टिलाइजर, केमिकल, यूरिया, सुफला ये कोई ज़रूरत नहीं। अब नॉर्मली किसान होता है ना, वही लेबर भी होता है, अपना फसल वो काटता है, चाहे मशीन से काटे चाहे हाथ से काटे, और वो MVP तक लाके देगा, ये हमारा टेक्निकल मॉडल अभी का है। तो उसमें खर्चा क्या है, उसको तो पानी देना है, अभी वो पानी ड्रिप इरीगेशन से दे, पंप से दे, वो उसका फर्टिलाइजर कोई उसको केमिकल वाला देना नहीं है, दवाई मार देनी है, क्योंकि कीड़े लगे तो वी डोंट केयर, क्या खाएंगे, कितना घास खाएंगे, खाकर क्या फर्क पड़ता है। पहली बार हम काटते हैं तो 5 फुट का है, दूसरी बार काटेंगे तो 15 फुट का है, तीसरी बार काटेंगे तो 20 फुट है, वो बढ़ते जाता है उसका जो क्या बोलते हैं ग्रोथ, वो बढ़ते जाता है उसका, तो ये प्रोडक्शन भी बढ़ते जाता है। अब आगे वाले भविष्य में क्या होगा ये भी बता दो, आज हम क्या है आपको इजी इजी चीज नहीं बता रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आदमी इजी सोच के आए, बट मैं एक बता दो, आगे वाले टाइम में ऐसा होगा, ट्रैक्टर को लग के मशीन जाएगी खेत में, डायरेक्ट घास काटेगी, डायरेक्ट टुकड़े करेगी, डायरेक्ट ट्रॉली में भरेगा, वहां से सीधा फैक्ट्री जाएगा, MVP में भी नहीं जाएगा, उस केस में भी MVP वाले को 500 रुपया मिलेगा और किसान को हाथ भी नहीं लगाना। बट इसको टाइम है तो मैं आज क्यों पूछू, आज से इजी इजी चीज सिखाऊंगा तो आदमी वही करेगा। आज हमने जो 1000 रुपया टन से MVP वाला लेता है, 500 रुपये उसका मार्जिन पकड़ो, 1500 ट्रांसपोर्ट कटिंग। अभी महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में ऐसा होता है कि जो गन्ना शुगर मिल होती है वो शुगर मिल वाले कटिंग के लिए आदमी भेजते हैं, क्योंकि उसमें काटे होते हैं ना गन्ने में, तो आदमी नहीं काट सकता, वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनको पर टन कटाई का, तो ये सारे प्रोविजन कंपनी रख के चली है, सबका प्रोविजन किया हुआ है, जब जैसे जैसे वो टाइम आएगा वैसे वैसे वो बता जाएगा। आज हमको ये बताना है कि फार्मर काट के अपने ग्राम पंचायत के MVP तक देगा, बस आगे जाके तो इतना आसान हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा क्या होगा। जैसे आपने हमारी पास 10 वीघा जमीन हुई तो कितना वीघा सुधी वावी सकूं? देखो इसमें ना एक फूड सिक्योरिटी का कंसर्न आता है कि पूरा देश अगर नेपियर ग्रास लगाने लगेगा, ठीक है, तो आदमी खाएगा क्या, तो फूड सिक्योरिटी एक अच्छा आता है। तो एक तो है कि जो अनफर्टाइल या कम फर्टाइल जमीन है जिसमें अच्छी खेती नहीं होती वहाँ पर नेपियर ग्रास लगाओ तो कोई टूटता नहीं,
दूसरा फर्टाइल जमीन, तो जितना हमको चारा चाहिए या नेपियर ग्रास चाहिए उतना ही हमको ऑर्गेनिक फूड भी चाहिए। तो आपकी 10 बीघा है तो हम बोलेंगे आप 3-4 बीघा में नेपियर ग्रास लगाओ, बाकी के 6 बीघा में ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये हो सकता है। शुरू में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ज़्यादा शुरू में प्रोडक्शन कम होगा ना, तो हमको डेली 100 टन मतलब 450 एकड़ जमीन चाहिए, तो 450 किसान को हम बोल सकते हैं भाई तू 1 एकड़ में तुझे शुरू में लगाने को मिलेगा, पर अभी 450 में से 150 लोग बोलते हैं हमको नहीं लगाना है, तो भाई 3 एकड़ लगा ले। तो ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट तालुका के वाइज जो वहाँ के एंटरप्रेनर है उनको करना पड़ेगा, बट मटेरियल कितना भी उगेगा हमको कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें क्या होता है कि पहले दिन आप सबको नहीं बोलोगे लगाने को, बोलोगे मैं फेज वाइज बढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले फेज में आपने 400 किसान को बोला, फिर 10 टन का 15 टन कैपेसिटी हो गया 2-4 महीने में, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ाने को ना हमको सिर्फ रॉकवेल बढ़ाना है, बाकी सब तो एज इट इज है, मेन तो रॉकवेल ही बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो वो 15 टन हो गया, फिर कुछ लोगों को दिया 20 टन हो गया कुछ लोगों, अभी सब लोग नेपियर ग्रास नहीं लगा सकते क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हमको कराना, नेपियर ग्रास से भी ज़्यादा फायदा ऑर्गेनिक फार्मिंग में होगा, तो किसान नॉलेज वो करेगा जिसमें फ़ायदा होता है। अब नेपियर ग्रास ज़्यादा हो गया तो इसको कटिंग करके इसका साइलेज बना के थैली में पैक करके हम रख सकते हैं, जो सप्लाई कर सकते हैं इंडिया भी और बाहर भी, बहुत से ऐसे सूखे प्रदेश है जहाँ पर चारा नहीं है, दे सकते हैं ढाई की चारा। क्या सवाल है? मैंने बताया था 150 से 250 टन पर एकड़ पर ईयर आता है, ये मिनिमम है, 400 टन 500 टन क्लेम करने वाले भी है। आप यूट्यूब पे जाओ, आप गूगल पे जाओ, आप वीडियो देखो, आप सर्च करो, आपको मेरे से अच्छा डेटा मिलेगा। आपने अघरू काम करो तहसील के लिए, तो बोला गया कि वो तो चला गया, किससे पास गया वो इंक्वायरी बाद में फोन किया है, काम करना मेरी लैंड है वहाँ हाईवे पे, वो मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे गांव का वो मुझे दे दो, MVP दे दो। उसने सर्च किया है बहुत, वो मुझे ही फोन आया था, वो मुझे देना, वो मुझे ही फोन आया था पाटड़ी वाले का, मेरे से ही बात हुई है उसकी, तो मैंने ही नंदलाल भाई को नंबर दिया था उनका कि पाटड़ी का है, आपने जो है उससे बात करो। तो हमारे पास बहुत चीजें देने को, गैस एजेंसी है, बायो CNG पंप की एजेंसी है, इंडस्ट्रियल गैस की एजेंसी है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की एजेंसी है, हमारे पास MVP प्रोजेक्ट का ये है। तो आप अगर प्रॉपरली प्लान करोगे, देखो पहले तो आपको वो पूरा लेना पड़ेगा जैसे हमने लिया है, तब जाके आप हर चीज को डील कर सकते, और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आज आपको शायद प्रेशर लग रहा होगा क्योंकि मैंने दिया भी है, क्योंकि मुझे आप लोग को इजी काम नहीं दिखाना है, बट जितना बोल रहे हो उतना टफ भी नहीं है, सिस्टम है, रोड मैप है, पहला स्टेप चलो, दूसरा चलो, तीसरा चलो, चौथा चलो, खुद ब खुद मंदिर को पहुंचो। शुरुआत में टफ लगेगा लेकिन जैसे माहौल बनेगा तो तालुका भी नहीं बचेगा और काम भी सरल होता जाएगा। बिल्कुल, गांव भी नहीं बचेगा, तालुका नहीं। एक ग्राम पंचायत में एक एंटरप्रेनर, मानो के आपने कदाच 40 गांव हो कदाच 20 बनाओ तो बनाई सकिए, 40 फरजियात अपना मॉडल जैसे तालुका का है वैसा ग्राम पंचायत का। अब 40 में से 40 पहले दिन चाहिए ऐसा कुछ नहीं, 10 हुए तो भी चलेगा, बाद में बाकी के 30 आपके घर में नारियल लेके आने वाले सर, हमको ले लो 40 में से 10 आ गया भाई बराबर, तो पची जे 3 बीजा 30 काम रहा हो, ये लोगों ने माल दियो तो इन्हें बाजू में दिवाओ, अभी देंगे बट जब वहां का MVP हो जाएगा तब वो उसको देंगे। और अपना है गांव का मॉडल नहीं, अपना ग्राम पंचायत मॉडल बराबर, जितनी ग्राम पंचायत उतने प्रोजेक्ट हमको धीरे धीरे सेट, ये हमारा मॉडल। अरे अभी महाराष्ट्र में जहाँ पे एक आदमी सुनने को तैयार नहीं था वहाँ 15-15, 20-20 MVP लोग लाइन लगाने लगे, अभी पता चलने लगा ना, माहौल बनने लगा। और अभी जैसे ही कोलाड चालू हो गया, ये हमारा चालू प्रोजेक्ट कहानी खत्म, कोई सवाल ही नहीं। बीजी एक वस्तु एवी छे, जुवान नहीं जरूर पड़े,
જુવાનની મતલબ એવું નથી કે તો કે જુવાન જ હોય, મારા ગ્રુપની અંદર 75 વર્ષના જુવાન છે, ઝીણા બાપા. અને વર્ક ની અંદર પણ એવું છે, એનો લીલિયા તાલુકો છે, લીલિયા તાલુકા ની અંદર એમબીઈ કરે છે, તો ત્યાંનું અમે જમીન માટે ગયા હતા ને તો ત્યાં સરપંચ થી માંડીને બધાએ હાજરી આપી નાખું, ગામ ત્યાં હાજર રહી ગયું હતું. 16 તારીખો શાયદ મહારાષ્ટ્ર મેં નાંદેડ તાલુકા, નાંદેડ મેં કોચા તાલુકા પાટીલ સર, નંદુરબાર તો અભી ગમાને સરકાર, કિનવર સુપ્રિયા સુલે શરદ પવાર કી બેટી ભી વહાં પે આજે થે, વો મોસ્ટલી એમપી કા ઇલેક્શન કન્સિસ્ટ કરને વાલે. દૂસરે એક વ્યક્તિ મેરે તાલુકે મેં ડોક્ટર ક્યા નામ ઉનકા, ડિંગે, ડિંગે વો સેકન્ડ રહે લોકસભા કે ઇલેક્શન મેં, યે લોગ સર મેરે ભરોસે પે નહીં કિયે, વો લોગ અપને સોર્સે સે નિકાલે, કોણ ગોલબ સર હે, ક્યા હે, ક્યા નહીં હે, કે મહારાષ્ટ્ર કે થે ના, ઓર ફિર જાકે કિયે કે નહીં હે સબ બરાબર. અભી ગોલબ સર કે ફ્રેન્ડ જો ખુદ ભી ડેપ્યુટી કલેક્ટર હે, ઉનકો મેને બુક કિયા હે મેરે લિયે. તો અભી ક્યા હો ગયા, અભી મોમેન્ટમ, અભી ઉગતા સૂરજ હો ગયા, અબ સબ સલામ ઠોકને આયે, મગર જો આજ આયેંગે અભી યે સ્ટેજ મે ઉનકી વેલ્યુ અલગ હે, ઓર જો સારા દેખને કે બાદ આયેંગે ઉનકી વેલ્યુ અલગ હે, ઉનકી ટર્મ્સ ભી અલગ હોગી, કન્ડિશન ભી અલગ હોગી, સબ કુછ અલગ હોગા.